वहां की जैसे संस्कृति है सर, हमारे संस्कृति गुड मॉर्निंग सर। तो उसमें यही है कि जैसे वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ हस्बैंड मदर फादर हो गए ना, तो बच्चे का एडमिशन कराना है तो एडल्ट वन एडल्ट वन, तो एडल्ट वन मेल और फीमेल, एडल्ट टू मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों भी फीमेल हो सकते हैं, दोनों भी मेल हो सकते हैं। फिर उसके बाद है नेचुरल फादर, नेचुरल मदर। अब ये भी तो आप सुनोगे ना, वही तो नहीं, नेचुरल फादर नेचुरल मदर या स्टेप फादर स्टेप मदर। फिर उसके बाद है आर यू मैरिड। अच्छा, फिर ये भी तो मैरिड होना है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हमारे तो सिंपल है। हमारे अजीब बात है, हमारे देश में इतने सारे भगवान है, ठीक है ना, हर कोई भगवान नहीं अपना लो, कंप्यूटर भगवान, प्रोजेक्टर भगवान, हमारी मर्जी है, हिंदू है कुछ भी कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ समस्या नहीं, आर्य समाज भी है, फलाना में डिगड़ा आर्य समाज भी चला जाएगा, मंदिर में मत्था टेकाएगा, हालांकि वहां मूर्ति पूजा नहीं मानते, मतलब आर्य समाज जी उसकी अगर मेरे को, मैं जानता हूँ तो मैं फादर वॉज आर्य समाज जी, मैं मदर वॉज नॉट आर्य समाज, तो मेरे फादर को वो ले जाती थी मेरी मदर मत्था टेको, हस्बैंड क्या कर सकता है, हस्बैंड की क्या है, ठीक है ना सर। तो भाई मेरी मदर जब गुजर गई तो मेरे फादर ने मेरे को कान में कहा कि भाई पंडित को मत बुलाइयो किसी को, और हरिद्वार जाइयो ना, तो जाके ओम भूर वास करके अस्थियां जो सभी। अब मेरी सिस्टर वगैरह बड़ी, हम भी चले गए, चले गए फिर वो पूरी रीति रिवाज है नॉल, घर में तो कुछ ना करी हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मदर बोली वो गरुड़ पुराण पाठ रखना घर पर, वो पंडित जी बुलाओ, पंडित जी बताते हैं कि वो मटका देना है, मंजी देनी है, पंखा देना, बधेरी सारी चीजें वो देनी है। और मैं पंडित को खास करना पंडित जी सुबह 9 बजे निकलना घर से, 9 बजे से पहले आया मैं तेरे को जितना, मेरी बैंड बचेगी तो जितनी मेरी बजेगी मैं उससे आती हूँ। वो भी लुच्चा 8:55 पे आ गया, वो पुराने लोग हैं सर, वो तो टाइम के पक्के हैं, 9 बजे जाना तो 9:01 तो फिर भी 10:05 उनका नहीं होता, तो वो पहले आ गए। अपनी बेटियों से पूछो मुझे क्या कह रहे, ठीक है चलो पूजा पाठ ही कर रहे ना घर में। जिस इफ यू अप्लाई टू मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी, एक ही अल्लाह साहब है और इतने उनके सेक्ट हैं, एक दूसरे की मस्जिद नहीं जाते। जो सुन्नी होगा वो शिया की मस्जिद में नहीं जाएगा, और सुन्नी के हिसाब से शिया जो है वो उसको कत्ल करना जायज है, वो अपने कहते कत्ल करना है। तो इस तरह से बड़े सारे जैसे रोहिंग्या हुए, अब रोहिंग्या नया सुना होगा, ऐसे अहमदी हैं, देवबंदी हैं। अहमदी का बस डिफरेंस है तो प्रॉफिट बाद में भी आना पसंद, जैसे मोहम्मद प्रॉफिट प्रॉफिट वो भी मानते हैं मोहम्मद, बट बाकी भी प्रॉफिट हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो इतनी बात कहते ना हो सकते हैं, तो वो कहते हैं कैसे हो सकता है, मुसलमान ही नहीं है। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अहमदी मॉडल, उनकी भी वही अजान होती है, उनके भी वही मॉस्क है, वो भी वही कुरान को फॉलो करते हैं, बट वो एक दूसरे का कत्ल करते हैं, क्योंकि अहमदी आर नॉट ए मेजोरिटी, इसलिए वो तो नहीं कत्ल कर पाते, मतलब ये है। बहुत ही कमाल का देश है हमारा, यहाँ पर भी शिया सुन्नी का इतना कलेश है, आपने कभी ऐसा सुना नहीं, वो भी जैसे ताजिए निकालते हैं वो मुहर्रम में भी आए हुसैन हमला हुए, तो अगर ये पाकिस्तान में करते हैं आए हुसैन हमला हुए रहेंगे खत्म, यहाँ करते रहते कोई बात नहीं, शिया करते रहते हैं, सुन्नी उनको कुछ कहते नहीं। और ये जो ईरान और सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया घर सुन्नी एंड अदर्स, ईरान इज द ओनली शिया कंट्री। चलिए सर, हमारा तो काम नहीं था बाद में, मतलब कि सर गुड मॉर्निंग। अब ये था हमारा एक क्वेश्चन था यहाँ पर, ये अचल मिशन है,
सर नमस्कार, कैसे है? ये उन्होंने 28 फरवरी 80 की एक बारिश को बोली अच्छा जी हुई शुरू 28 ये लगाते हैं सही 9 दिसंबर को भी लगा देते जिसमें वो सकते नहीं सर वो भी लगा आपका नाम है अच्छा सॉरी एक आपने 28 फरवरी 80 में भेजी है वो सिर्फ उसमें था कि बड़ा अजीब रेयर कॉम्बिनेशन थे वो भी लगा ठीक है नहीं आप जैसा बोलो आप तो दोनों देख लेते दोनों लगा दो बिकॉज गुड दे आर गुड ना हमें वो लगाने जिससे मतलब सबको बेनिफिट हो ना सर इसलिए मतलब हाँ नहीं ठीक है ना जिससे सबको बेनिफिट होगा आपको भी होगा सबको इसमें तो काम ये मतलब जितना हम मतलब देखेंगे और ऐसे वाले देखें जो कंफ्यूजन वाले हैं वो हमें ज्यादा बेनिफिट देंगे दूसरा भी बता दो सर दूसरा है 9 दिसंबर 22:36 आवर्स 09 दिसंबर 89 22:36 आवर्स मेरठ मेरे को ना वो हो गया था टाइफाइड इतनी अच्छी नहीं है तो जहां पर मेरी बस गई वहां छोड़ दी है क्लास जवान हूँ ना जवान हूँ ना बुढ़ा हूँ आप समझ जाए ना तो फिर बोलो लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं फिर फीलिंग अच्छी नहीं लगती हाँ सर नहीं अब फिगर उतर गया सर मैं वैसे कह रहा था ठीक है दोनों लगा लेते हैं इसको एक हो गई अट्ठाईस कौन से 9 दिसंबर 1989 time 22:36 hours मेरठ यूपी हो गया मेरठ ठीक है अब इस मैरिज का Want to know about 36/81 about Modi chart where 11 hours was missing. हाँ वो मैं अभी आज बात करनी है मेरे को voice disturbance हो रहा है. Okay. सबको mute कर दीजिए. ठीक है सर एक बार मैं देख लेता हूँ. एक बार देख लेता हूँ. अब अपने को म्यूट कर लीजिए प्लीज वो अपने उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा अभी ये लगा दी हमने और उसको ये हो गई दिसंबर 1989 22:36 उत्तर प्रदेश
इसमें पहले तो हमें दशा देखनी है, एक मिनट, एक दशा होगी मून की, हाँ जी सर। अब इसमें हमें क्या क्या देखना सर? मैरिज का देखना सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अब इसमें देख लेते हैं, सारे प्लैनेट देख लेते हैं सर एक करके। तो जैसे हम देखते हैं केतु, केतु है 6-10 ऊपर है टॉप पे, नक्षत्र में 11 है, सब लॉर्ड में 6-10 है, तो इट इज ऑलमोस्ट डिनाइल। ठीक है, इसमें हमें कोई ज्यादा नंबर नंबर पिछली बार मैंने निकालने को समझाए थे, मेरे को लगता नहीं कि वो निकालने की भी कोई लंबी चौड़ी जरूरत है। वीनस को देखते हैं, वीनस में कंप्लीट 1-6-10 है, लेकिन उसमें 11 है नीचे, ठीक है ना, तो पॉसिबल हो गया। दूसरा अगर प्लेनेट होता तो वो ऑलमोस्ट डिनाइल हो जाता, लेकिन ये है तो पॉसिबल है कमजोरी, ये नहीं होता स्ट्रॉन्ग। सन स्ट्रॉन्ग है 2-11 है ना, उसमें 1 प्लेनेट में है लेकिन 2-11 है। फिर मून ऑलमोस्ट मतलब डिनाइल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही कमजोर हो गया, अगर हम इसके नंबर लगाएंगे तो 2:4 बनेंगे, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट पासिंग मार्क्स हैं बस, वही 33% वाला मामला हो गया ना। स्ट्रॉन्ग दिखती चाहिए होगी इसके साथ। हाँ, अभी देखते हैं सर। मार्स है ठीक है, राहु भी बहुत ही कमजोर हो गया, ठीक है ना, बहुत ही कमजोर हो गया। फिर जो है जुपिटर डिनाइल, शनि डिनाइल, मर्करी डिनाइल, ठीक है। तो अब इसमें फिर एक बार कंक्लूड करते हैं कि इसके अंदर जो पहले तो पॉजिटिव प्लैनेट कौन से हैं, मिक्स प्लैनेट कौन से हैं और डिनाइल कौन से हैं, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, फिर ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। इसमें एक मंगल और सन जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ऊपर 11 हो गए। अच्छा हाँ, डिनाइल नहीं है, 11, 6, 10 और 7। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि नीचे 6-10 फिर 6-7 है, जैसे प्लेनेट 11 है, नक्षत्र ने उसको डिनाई कर दिया और बहुत स्ट्रांगली डिनाई कर दिया। सब लॉर्ड कंफ्यूज है, तो इसका मतलब ये भी कुछ दम नहीं है इसमें, बहुत वीक पोजिशन में चला गया, ऑलमोस्ट डिनाइल के मोड में चला गया। अब नंबर लगाएंगे तो इसमें एक नंबर 11 का मिलेगा, 2 नंबर 7 के मिलेंगे, 3 नंबर ही मिले एक तरीके से, और पॉजिटिव के जो नेगेटिव के मिल जाएंगे 2+2+3, 2-2 नक्षत्र के 6 और 10 के, और नीचे सब लॉर्ड के फिर 6, ये हो गए 2+4+3+7, 7:3 है। तो ये तो मतलब वही हमने बोला था कि अगर 33% वाला वो ऑलमोस्ट पॉसिबल आ गया, ये भी है ना, बेचारा गरीब आदमी है बेचारा, ठीक है ना। तो अब इसमें जो पॉजिटिव वाले हो गए तगड़े, वो हो गए मार्स और सन, जिसमें उम्मीद है वो है वीनस, बाकियों में कुछ है नहीं। अगर बिल्कुल डिनाइल करें तो वो जुपिटर शनि है, वो तो बिल्कुल काटा मार देते हैं, बाकियों में भी कुछ है नहीं कि मतलब हम कुछ खास करें, ठीक है ना। तो अब जैसे मून की दशा चल रही है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, मून में जो मार्स है दैट इज 6/7 मतलब 4 मंथ, ठीक है, उसके अंदर अंतरे भी को खास मिल जाएगा, उसके अंदर मून मार्च जो निकल चुका है वो भी दम नहीं करिए निजाब निजाब बढ़ा ले। सोनी साहब, हाँ जी सर, एक सेकंड सर, हाँ जी यार, म्यूट तो कर ले यार, बस में अरे रोडवेज की बस है, हमें आवाज सुनानी जा रही, जन्म समझा करो। तो अब यह है कि मून मार्स, तो वैसे भी मून हम अगर प्रोबेबिलिटी बनाए तो मून मार्स सन दैट विल बी 5 डेज 6 डेज इतने का ही पीरियड होता है सर। इसमें केतु मुझे हाँ जी बोलिए, ऑलमोस्ट बराबर का सा लगता है सर, केतु हो गया ना सर, एक मिनट केतु बना लेते हैं, केतु हो गया 6-10
देखता नहीं यार सेवन, पता नहीं ये मर्करी में भी नहीं देखा मैंने, सॉरी। तो ये हो गया अपना माइनस टू प्लस टू, ये हो गया माइनस फोर एंड सब लौट के ये दोनों आपस में दोस्ती होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे मून केतु का पीरियड देखोगे ना सर, बहुत ही छोटा होता है। आगे देखो जैसे मून केतु का पीरियड आप देखो कि ये जुलाई 2023 मतलब अगस्त ही समझ लो से फरवरी 2024, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना हो गया ये 7 महीने का पीरियड है ना। अभी इस 7 महीने के पीरियड में हमें कौन सा पीरियड जो है हमें चूज करना पड़ेगा, तो उसमें जैसे ये सन मार्स, तो अभी ये देखो कितना पीरियड है 13 सितंबर से 24 सितंबर, 12 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, मतलब वेरी लिटल पीरियड्स वी गेट। बड़े जो पीरियड होते हैं जैसे ये हो गए मून में वीनस, ये होते हैं बड़े पीरियड्स, फरवरी 2024 से अक्टूबर 2025। वीनस में नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं इसमें अभी एक मिनट डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पीरियड बड़े होते हैं, जैसे वीनस के हो गए, शनि के हो गए ये। तो अब जैसे मून वीनस मार्स, मून वीनस सन, तो ये हमको बड़े मिल जाएंगे। ये देखो आपको हमको मिल गया 1 महीने का पीरियड एटलीस्ट, ठीक है ना, मून वीनस केतु, ये भी हमें कम से कम 1 महीने का मिल गया, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं पहले तो कि भी पॉजिटिव कौन कौन से पीरियड है ना, तो ये हो गया मून में केतु, मून में वीनस, मून में सन। इससे पहले कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आती, ठीक है। जुपिटर राहु नहीं बोलता, जुपिटर तो नेगेटिव है ही, शनि नेगेटिव है ही, मरकरी को भी हमने देख लिया कोई खास दम है नहीं, तो इसमें तो हमारे को उम्मीद नजर नहीं आती, दशा पहले ही कभी हो रहा है, तो केतु में उम्मीद है ना। लेकिन वीनस बीइंग नेचुरल सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्गर है। अब इसमें फर्दर अब मतलब उसके अंदर हम पीरियड निकला है, जैसे मून वीनस, वीनस मून वीनस सन, मून वीनस मार्स, मून वीनस केतु, यही होगा ना। अब इसके अंदर क्या है कि ये थोड़े डेंजरस चार्ट हो गया। डेंजरस चार्ट क्या हो गया कि इसमें मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्यों ना, क्योंकि ये जो है डिवोर्स को भी बहुत बताता है, तो मैरिड लाइफ इसके बाद क्या रहेगी वो भी एक तरीके से भगवान मालिक वाली बात है। लेकिन अब ये तो हो गया हमारा, तो हमारे पास आते हैं कि शादी कब होगी, तो हम बोलेंगे जी 2024 लगता है। अब हम बैठे हैं 2018 में, 19 में मान लो, अब अगर उनको बताएं भी 5 साल बाद होगी, वो तो गोली मार देगा भाई, उसकी माँ आ गई, वो तो भाई बोलेगी भाई पंडित जी आप तो अपना पतरा लो और निकल लो यहाँ से, ठीक है ना। सो वी हैव टू बी वेरी मतलब बहुत धीरे से होली होली उनको मतलब समझाना पड़ता है कि थोड़ा कमजोर है गए, देखो जी ग्रह थोड़े है तो सू समझ आ गया, देखो जी 89 का बर्थ है कुड़ी का, है ना, ते हूँ भी देखो 29 साल की तो होगी हैगी, अब 29 साल की होगी, हम कह रहे हैं 34 में शादी हो तो कुछ कर, लेकिन फिर भी हमें ये उसको बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 30 में बोल देंगे अगेन आइदर दे विल कम बैक और कहीं जाएंगे, तो उनके मन में तो ये रहेगा कि प्रेडिक्शन गलत है। तो हम इनको यही बोलेंगे देखो जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो तो 2024 में आता है, जहां पर मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले वीक है ये ना, आप उपाय कर, इससे कुछ हो सकता है, अपनी जान बचा के निकलना पड़ता है। और उनको ये नहीं रहेगा कि भाई पंडित जी ने कोई जैसे, नहीं तो अगर आप कह देते ना 5 साल बाद शादी होगी और 4 साल शादी नहीं होगी, तो ये नहीं कहते कि पंडित की प्रेडिक्शन गलत है, ये कहते हैं पंडित की जबान काली है, हमें अपने में ऊपर बात नहीं है देखो सर जी की। लेकिन अगले का दिल भी तो एक चीज है, देखो हमारा भी बच्चा हो, हमारी बहन हो, हमारी घर में ये सिचुएशन हो, तो हमारे साथ भी ऐसा, तो हमें भी लगेगा यार कि पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है। वो हमारा काम है कि उनको हेल्प करना, हमारा काम ये नहीं है कि हमने ये सिद्ध कर देना, देखो हम बड़े जोशी हैं, ऐसा कुछ नहीं हमारा, तो यही करना पड़ेगा और कुछ है नहीं। मैरिड लाइफ विल बी अ टफ
थिंग. अब इसमें मैरिड लाइफ टफ चीज रहेगी क्यों रहेगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड. सर एक्सक्यूज मी. हाँ जी बोलो सर जी. सर इसमें जो महादशा लॉर्ड मून है वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा वीक है. जी सर. तो सर इसके अंदर डू कैन वी प्रेडिक्ट एनी मैरिज इन दिस पीरियड? सर डिनायल नहीं होना चाहिए ना. जैसे जुपिटर अगर होता सॉरी शनि होता तो हम कहते कि भी शादी नहीं होगी. आप समझे मेरी बात? ओके. तो इन सच सिचुएशन आल्सो वी कैन प्रेडिक्ट मैरिज इन दिस महादशा? सर वो तो कर तो दी और हम क्या बोल तो दिया ना सर. प्रेडिक्शन कर तो दी कि मून वीनस में होगी. केतु में हमने नहीं किया क्योंकि पीरियड बड़े छोटे आते हैं हफ्ता 10 दिन का. जब तक बात शुरू होगी तब तक बात खत्म हो जाएगी. ठीक है ना. सीखिए मैं तब तक बिल्कुल डिनायल नहीं होगा तब तक. अब प्लेनेट सारे अगर शनि वाले तरीके के हो जाएंगे फिर हम कह सकते हैं कि हाँ तेरी मैरिज कभी नहीं होगी. ठीक है ना सर. अब इसमें हम कह सकते हैं कि मून वीनस वाले पीरियड में कि भाई उपाय वाकई जरूरी है यहाँ यहाँ जरूरी है सर. लेकिन चंद्रमा में केवल एक 11 आ रहा है केवल. सर हमने वही एक बात बताई ना सर. जी जी. मून है सर. मून में क्या सर जी कि 6, 10, 9 और 11 यही है ना सर जी. केवल 11 सपोर्ट कर रहा प्लस तो हमारा 2:4 हो गया. तो ये डिनाइल नहीं है. ठीक है ना. साथ में यहाँ 9 भी है. अगर हम देखें यहाँ भी एक 9 है यहाँ भी एक 5 है तो चलो एक ढाई या ढाई लगा रहे हैं तो डिनाइल नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ सर नीचे अगर 3 हो जाएगा ना जाता 3, 5, 6, 7, 8, 6, 10, 5, 6, 7 then it is minus plus 1 minus 1 minus 4 plus 2 minus 3. ये बहुत वीक हो गया कंपैरेटिव. तो इसमें बड़ा टफ हो जाता. फिर बहुत ही तगड़ी भुक्ति ऐसी होती कि 2 साल यार ही बोले बोले ही ना. तो ऐसे में तो फिर शनि शनि है तो कर सकता है. मूल में उम्मीद ज्यादा है कि थोड़ा सा कमजोर भुक्ति की भी एक प्रोबेबिलिटी बनती. ऐसे में फिर हम इसमें थोड़े उपाय भी बताएंगे. उपाय का भी जो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब वो कुछ 5-10% कुछ उपाय करते तो कर ले. उपाय ये नहीं होता कि जिंदगी बदल जाए. अगर उपाय जिंदगी बदलते होते ये दाती महाराज ये चंद्रा स्वामी ये सत साहेब ये और कौन है राम रहीम बाबे ये सारे बाबे अंदर ना होते. ठीक है ना सर जी. तो उपाय भी तब है जब उसमें कुछ है. उपाय अगर कुछ नहीं है तो उपाय कुछ नहीं है. मतलब जो करेले का अगर बीज डालेंगे तो उसमें आम ही पैदा होगा. भिंडी के में भिंडी पैदा होगी. ठीक है सर. कैन आई सजेस्ट समथिंग हियर? जी सर प्लीज. एक्सक्यूज मी सर. जी सर मैं सुन रहा हूँ. एक्चुअली मेरे पास भी एक ऐसे ही एक 1.5 महीने पहले एक गर्ल अबाउट 32 years old की कुंडली में देख रहा था. तो ऐसे ही उसका मेरे हिसाब से अगले 5-7 साल कोई उसका मतलब मैरिज का पीरियड नहीं निकल रहा था. अब रादर देन सेइंग कि बिकॉज आई डोंट बिलीव कि उसको पूजा करानी चाहिए तो मैंने उसको जो अंतरा में जहां छोटे पीरियड्स आए मैं कहा बेटे तुम्हारा ये अगले साल मार्च अप्रैल का टाइम है. अगर तुम थोड़ा जोर लगाओगे उस 2 महीने में हो जाएगा. नहीं तो फिर आगे अक्टूबर नवंबर में दिसंबर में ये टाइम मतलब इस तरह से करके कि भाई गाड़ी आगे खिंच जाए विदाउट बिकॉज आई ऑल्सो नो कि कोई पाठ पूजा से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो रादर देन गेटिंग देम बैक इनटू द फोल्ड ऑफ पंडित्स तो मैंने उसको वैसे करके डाइवर्ट कर दिया. नहीं नहीं सर साथ में एक और चीज होती है वो हम तो उपाय पे तो बात करेंगे. हम तो मतलब अभी मतलब ये होता है कि उपाय मैं तो मानता हूँ कि 5% या 7% या 10% इससे ऊपर मैंने देखा भी नहीं. और जो मैंने देखा मैं वही पढ़ाता हूँ. मतलब जो अभी जिसपे मैं कन्विंस हूँ मैं आपको क्यों बताऊँ. मेरे कहने का मतलब सीन सीन. ठीक है ना. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पूजा पाठ या हम जैसे कहते हैं दान है या कोई गंडा तभी जो भी करते ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ज्यादा करते हैं. और अगर ये करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. ये है कि भाई पूजा के लिए इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू द पंडित एंड बीइंग लूटेड डू इट योरसेल्फ.
हम वकील क्यों भेजे भगवान के पास, हम खुद ही खड़े हो जाए. पॉइंट टेकन. आई थिंक दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. मेरे को था कहीं आप फिर उसको पंडित के पास भेज रहे हो तो फिर तो पर्पस इज डिफीटेड. नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं कहता सर पंडित के पास जाने से पर्पस इज डिफीटेड. लेट अस टेक अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि मतलब हम ये भी ना मान के चलें कि सारे पंडित चोर. वैसे तो बात यह है कि चार टाइप के आदमी के पास आदमी आता है. जब आदमी को रास्ता नहीं मिलता तो एक हो गया पंडित जी टाइप्स, एक जोशी टाइप जैसे मैं हो गया, एक हो गए गुरुजी टाइप्स, और एक हो गए तांत्रिक. तांत्रिक का मतलब तो यही है उसके पास जाए तेरी सास ने कुछ किया. भाई अगर सास आई तो बोले तेरी बहू ने किया, बहू कही तो तेरी सास ने कुछ किया. सिंपल और इट इज इजी. गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी या तो आशीर्वाद वाले गुरुजी हैं या लाची वाले गुरुजी हैं या कोई वो जो है वो शनि वाले गुरुजी हैं. सबके गुरुजी का अपना अपना एक पोर्टफोलियो है या एक तरीका है जिससे वो पहचाने जाते हैं. ठीक है भाई, इनकी लाची से पैदा होता होता क्या नु बाबे खुद ही अंदर. ठीक है, हम जो हुए सर हम डराते हैं राहु केतु शनि साढ़े शक्ति काल सर्प दोष पितृदोष से. हमारा काम ये डराएंगे नहीं, वो पैसे नहीं देता. पंडित है, पंडित को एक्चुअल में कुछ पता नहीं, उनका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं. पंडित का जो है कर्म कांड से लेना देना, तो उनकी वही ग्रेजुएशन का 3 साल का कोर्स है या फिर वो अपने ट्रेडिशनल अपने जो है पेरेंट्स वगैरह से सीखते हैं, फादर से सीखा होता है. हमारा ट्रेडिशन है, कोई ऐसी बात नहीं. तो उसका काम वही है, वहीं तक है. तो अगर हम अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं. पंडित रोटी कहाँ से खाएगा सर? और पंडित जिंदा रखना भी जरूरी है. शादी किससे करवाओ? मतलब शादी अगर हम करते तो शादी में जैसे मुसलमान शादी करते तो काजी को बुलाए, वो फादर को बुलाए, तो हम किसको बुलाए? हमने छोड़ा ही नहीं फिर. तो एक तो उसको जिंदा तो रखना है हमको. सही. फिर उसमें क्या है कि पंडित का काम सिर्फ पहले कर्म कांड नहीं था, पंडित का काम रिसर्च भी. या जब आदमी आता है जैसे मेरे एज का आदमी हो गया, चलो कि भी अब बच्चे ब्याने लायक हो गए, जब बच्चे ब्याएंगे फिर आदमी सोचता है अब मैं इस जिंदगी में क्या करने आया. मुझे भी वानप्रस्थ आश्रम का भी समझाता नहीं. तो हम फिर जाते हैं इन लोगों के पास कि भाई जी अब मेरे को बताइए कि अब मैंने क्या करना, मैंने अपने अगले जन्म के लिए क्या करना है या अपने प्रयाण के लिए क्या करना है. तो उसमें रिसर्च करने वाले ये लोग, इन लोगों को और एजुकेशन देने के लिए भी यही लोग. तो इन लोगों को पैसे की कमी भी ना रहे और इनको पैसे का लोभ भी ना हो. तो इसलिए क्या है कि रास्ते बना दिए थे इनको कमाने के कि भाई किसी का बच्चा पैदा हुआ पंडित जी को दो, कार आई पंडित जी को दो, किसी की डेथ होगी पंडित जी, शादी होगी पंडित जी, फिर क्या हो गया श्राद्ध हो गए पंडित जी. मतलब हर ओकेजन पे यू हैव टू गिव समथिंग टू द पंडित जी. तो इससे क्या है कि पंडित के घर में अन्न हो गया या पहले दूध दही यही हुआ करता था और कुछ नहीं है. जो किसान आया गेहूं दे आया, वाटर सिस्टम होता था, गवाला आया वो दूध दे आया पंडित जी को, पंडित जी प्रणाम कर. तो ताकि पंडित जी को पैसे का लोभ ना रहे. जहां लक्ष्मी जुड़ जाती है, जैसे आप मेरे को पैसा दे रहे, जहां लक्ष्मी जुड़ जाती है मामला बदलने लगता है. कि मैंने आपको बताया देखो 6 महीने की क्लासेस है, 24 में क्लासेस दूंगा, 2-2 घंटे की क्लास होगी, इतना पैसा मुझको दे दे. अब मैं 6 महीने के बाद सोचा 25वीं क्लास होगी तो मेरे को कितना घाटा हो गया, क्योंकि इसमें पैसा जुड़ गया. आप मेरे पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो उसको ये हो गया राजसिक. दिस इज कॉल्ड राजसिक. आपने मेरे को पैसे दिए, मैंने आपको एजुकेशन दी. एक हो गया सात्विक. तो पंडित को सात्विक रखते कि पंडित को कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, उसके पास रोटी आती रहे, उसको रोटी की टेंशन नहीं. तो वो अपना आपका काम करे, सारा दिन करेगा क्या, बैठा आराम से. कोई आया, चलो यार कोई बात करने को तो मिल गया. भाई मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, आप समझो कि अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे आज छुट्टी कर लेते, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम. हफ्ते में राहु केतु शनि नहीं हुआ तो मैं भी क्या करूंगा. आप पॉइंट समझे? तो पंडित के पास तो बैठ जाते थे, पंडित से प्रवचन सुन लिया, पंडित जी ने भी बता दिया, नहीं तो कोई सुनने कौन आता सर. नहीं सर, मैं सर बात खराब करने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ. मैं क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ. फॉर दैट पंडित, हमारा सिस्टम बदल गया ना सर. अब पंडित को घर नहीं चाहिए, पंडित को मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, बच्चे भी पढ़ाने. पंडित की जरूरत बदल गई ना. आप पंडित को हम पूरी तरह से गलत कह दें ये भी ठीक है,
उसकी जरूरत के हिसाब से अगर हम उसको दे देते हैं तो कोई समस्या नहीं। उसको अगर शादी बुलाते हैं, अगर हम उसको पैसा देते हैं, उसमें क्या बुरा है? तो लूटे ना, ना वो लूटे, एंड वी वॉन्ट टू पे, यहां तक ठीक। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, जो हमने उसने हमको प्रॉमिस किया वो हमने भी, अच्छा इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं हो सकता। देखो गुजराती देगा, करोड़पति आदमी होगा, वो लाखों में देते हैं पंडित जी। जो बॉम्बे में आप जाओ, गुजरात में जाओ, तो आप देखोगे पंडित जो है दे हैव फ्लीट ऑफ कार्स। वैसे आई ऑल्सो हैव फ्लीट ऑफ कार्स, आपको अगर पता नहीं होगा, मेरा ऐप है मेरे पास उबेर की, मैं भी मंगा लेता हूँ जब मेरे को कार को चाहिए होती है। लेकिन एक्चुअल में यू गो टू मुंबई, यू गो टू गुजरात, पंडित सर डैम रिच, आप सोच नहीं सकते सर कितना पैसा, मतलब बेंटले खड़ी हैं सर नीचे। हाँ जी, पंडितों के पास इतने पैसे, जो कर्म कांडी है सिर्फ, कोई मतलब ज्योतिष नहीं करते, कुछ नहीं करते, बेंटले हैं। तो देने वाले वो भी देते हैं। बात यह है कि जो हम कहते हैं लालच, मोर वी टेंड टुवर्ड्स सात्विक। देखो आजकल के जमाने में पैसा तो लेना पड़ेगा, अब मैंने भी पैसा लूंगा नहीं तो मैं भी गुरुद्वारे जाऊंगा चढ़ा के आऊंगा प्रसाद खाने के लोभ से तो ना जाऊं। ये मेरा कहना, सॉरी मैं आई हैव एलोंगेटेड दिस डिस्कशन फॉर अ रीजन ओनली, नॉट अदरवाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी हॉरोस्कोप पे, जो उतने तक के लिए मतलब हमको पंडित को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। मेरा कहने का मतलब मैरिड लाइफ अभी मैंने बात से पढ़ाया ही नहीं, तो फिर जब मैं पढ़ा देता हूँ फिर हम मेरे लाइफ अभी करते हैं। अच्छा किसमें जो हो गया, जो हो गई पत्री, इसमें तो कुछ है ये पत्री लगा देते हैं कि भाई इसमें मोहब्बत है या नहीं, ना। तो अब इसमें देखते हैं कि जैसे केतु में 5, 12, 5, 9, 11 है ना, वीनस में 5, 11, सन में 5, 11, मून में 5, 12, 11 है ना। अब देखो इसके अंदर खास देखें, जहां जहां भी 5, 12 हैं या 5, 8 हैं, तो वहां पर 11 या 9 साथ में जुड़ते हैं। तो ऐसे में हमें करेक्टर पे उंगली नहीं उठानी, ठीक है सर। जहां पर 5, 12 भी अगर है, उसका 9, 11 है, इसका मतलब रिश्ते के अंदर नैतिकता रहेगी, तो कोई बात नहीं सर। ठीक है सर जी, हम भी तो बैठे हैं, बहन जी बैठी है हमारे साथ, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हम 8 है, 3, 3, 6, 7, 1, 8 बहन जी बैठी है यहाँ पर। अब बहन जी बाहर निकले, साथ में 8 आदमी बाहर निकले, सोचने वाले जो मर्जी सोचे, 50 सोचे, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आनी, ठीक है ना। तो ये मेरे कहने का मतलब आप पॉइंट समझ रहे हैं। हाँ, अगर 5, 8 या 5, 12 के साथ 11 है, दैट मीन्स रिश्ते में शुचिता रहेगी, ठीक है। ओके, रिश्ता होगा बस, रिलेशन नहीं, रिलेशन सर, रिलेशन में नैतिकता रहेगी ना सर। सर दोस्ती दोस्ती प्यार व्यार तो रहेगा, लेकिन उसमें रिलेशन में नैतिकता, आप समझ गए ना इससे ज्यादा मैं क्या सर। वो सर इसमें कुछ वो भी है कि फॉरेनर के साथ है, लव विद फॉरेनर सर, उसके लिए राहु केतु शनि चाहिए। अभी मैं फिर इस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अभी फिर मैं, ठीक है, अब इस पर आ जाते हैं। वाली बकरी केतु, केतु 211, 1, 6, 10, 2, 6, 6 केतु वीकर साइड हो गया, वीकर के साइड हो गया, मतलब स्ट्रॉन्गर की जगह। वीनस भी जो है वीकर के साइड, ये तो मतलब तकरीबन तकरीबन, अच्छा सन में भी 50-50 है, 2, 7, 11, 1, 6, 10 बराबर हो गया। मून में 1, 6, 10, 2, 7, 11 बराबर हो गया। मार्स में भी बराबर हो गया, राहु में भी बराबर हो गया, जुपिटर में, शनि ऑलमोस्ट डिनाइल हो गया और मरकरी भी ऑलमोस्ट डिनाइल हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मतलब मोर और लेस द थिंग्स आर 40% या 60% मोटा मोटा, विद दशा इज अ लिटल नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें भी यही है कि अ लिटल अमाउंट ऑफ, अब इस लिटल अमाउंट ऑफ क्या ले सकते हैं, रेमेडी इज रिक्वायर्ड, तो हो सकती है शादी, लेकिन शादी होने के बाद मतलब दिक्कत तो है। अब इसमें भी है कि लव अफेयर्स है, ठीक है ना। अब 5, 9, 11 इसके अंदर भी है, तो रिश्ते में शुचिता वाली वो जो बात है वो रहेगी, लेकिन तो,
हाँ ब्रेकिंग भी है, तो इसमें है कि बात हुए मतलब, तो उसमें भी था इसमें भी है कि एंगेजमेंट हो टूट जाए। 38 होगी सर, क्या करें क्या सर, 216 से भी डिप्रेशन होता है, 216 से भी होता है, 216 को भी हम लेस पहुंचे, ठीक है ना, तो वो चीजें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि दो ही हाउसेस खराब है आपको पता है, एक है सॉरी तीन हाउस खराब है, 6, 8 और 12, ये जब दो मिलते हैं तभी क्लेश होता है। जैसे हो गया डिवोर्स, डिवोर्स है 1610 इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो भी चलो हमारी आपस में नहीं बनी बात खत्म, लेकिन जब ये एक दूसरे पर इल्जाम और ये जो है डाउरी का केस और ये जो मारपीट हो गया जी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये दिक्कत है। तो जुपिटर को देखें, जुपिटर की दशा शुरू हो और उसी का अंतरा हो, यदि मां शादी हो जाएगी, नहीं वो तो ठीक है सर, शादी की तो आज भी हम कहते हैं कि आज भी हो सकती है, बट इसमें ऐसे में थोड़ा सा आदमी चूजी भी हो जाता है, डिवोर्स का भी काफी चांस सर, अब कर क्या सकते हैं, करके हम कोई ना किसी को ये नहीं कहते, जैसे कोई बोलेगी भी शादी का देखो, हम ये बोलेंगे इसका डिवोर्स भी होता है, हमें आपका पॉइंट ठीक है, हम क्लास में बैठे सही बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम क्लाइंट सामने बैठा है तो फिर उससे बात नहीं करनी, फिर हम उसको एक अच्छा ऐसे में क्या करेंगे, एक अच्छा मैच लेके देंगे कि उसकी जन्म पत्री के अंदर डिवोर्स ना हो, इसके हो ना हो उसके ना हो। अब इसमें जो है हमारी आपस में वो हो सकती है, क्या नाम है, डिस्कशन हो सकती है कि भाई इसकी जिंदगी तो अच्छी कर दी, उसकी आपने खराब कर दी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो ये क्लाइंट आया, वो तो आया नहीं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि भाई परिवार बना रहे, ठीक है, तो अगर किसी के डिवोर्स की आ रही है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो अगर हमें स्पाउस मैच करना है तो उसका उस टाइम पे डिवोर्स का पीरियड ना हो तो गाड़ी चल जाए, अब ये गलत भी है ठीक भी है दोनों ही है, मतलब इसमें डिस्कशन है, मतलब अच्छा टूट जाती जी, रिस के क्या चलानी जी, ये भी तो एक सही है, मैं इसको भी सही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मानता हूँ, बट दिस इज व्हाट वी कैन डू, अगर उसमें जन्म पत्री के अंदर मैरिड लाइफ में खराबी है तो मैरिड लाइफ में खराबी है, अब मैरिड लाइफ में खराबी होती क्या है अब उस पर डिस्कस कर लेंगे, फिर एक बार फिर देख लेंगे, तो उसके लिए क्या है कि मेन जो चीज होगी वो होगी नेचर, आई थिंक जैसे उसमें भी अभी डिवोर्स भी अभी आपका सवाल अभी जवाब देते हैं 5 मिनट। सर सॉरी, एक आपको एग्जांपल दिया था उसका थोड़ा सा पूछना था आपको, जी जी ये आपने लिखा want to know married details, इसका क्या मतलब? जी जी नहीं, मैंने आपको भेजा उसका एक किसी का है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था उसका मैं समझने में, अभी एक मिनट लगा के देख लेते हैं, अभी ये देख लेते हैं और उसको, ठीक है सर, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें अपना बेटा ब्याना है तो हम किस लिए ब्याना है कि उसका परिवार बन जाए और उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, तो हमें कैसा कैसी बहू चाहिए होनी चाहिए, बेटा है मैंने तो कैसी बहू चाहिए बताओ, अच्छी हो सर, अच्छी अच्छी का कोई वो मतलब होगा, घर को बना के रखे, घर को बना के रखे ना, तो इसका मतलब उसका नेचर शुड बी अच्छा होना चाहिए, एडजस्टमेंट होनी चाहिए, एडजस्ट करे, नेचर शुड बी गुड, नेचर शुड बी गुड का मतलब है कि अगर उसकी जन्म पत्री के अंदर 2-5 लोग ये वाले अगर हाउसेस अधिक हैं, सारे तो नो के नो प्लांट में हो नहीं सकते, तो उसमें प्यार मोहब्बत और लोगों को इकट्ठा रखना, एक रिस्पेक्ट दूसरों की ये रहेगी, अगर उसमें एग्रेशन के, गुस्से के या डिप्रेशन के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है तो वो ठीक नहीं है, इवन 1/4 इज ऑल्सो नॉट राइट right? और कुछ बस काफी हेल्थ, अच्छा उसकी हेल्थ अच्छी रहे, गुड हेल्थ, ये बैड, गुड कॉम्बिनेशन बैड,
और कुछ नहीं, इनकी इनका बेटा आपका नहीं। हाँ जी बोलो ना, बोलो। अभी तो सर बहुत छोटा है, भी सोचा नहीं करने वाला था। मैं बता देता हूँ, या सर आप बता दो। चलो अच्छा, वो तो हो गया सर, ये नेचर लविंग केयरिंग, करियर अच्छा, पैसा कमा के लाए। अब ये उन पे डिपेंड करता है, मैडम पे डिपेंड करता है कि भाई एजुकेशन और करियर ये हम देखेंगे भाई, जैसा हमारा लड़का है उस हिसाब से। हमारा लड़का अगर मतलब इनका नहीं, हमारा लड़का अगर दसवीं फेल है तो हमें पीएचडी लड़की तो मिलनी नहीं, अगर मिलेगी भी तो जमेगी, ठीक है ना। मेंटल एप्टीट्यूड ही डिफरेंट हो जाएगा, उसको ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं, वैसे ही देख लेंगे। हमें तो वो है कि जो हमको वैसे दिख गया और जो वो तो नजर आई जाएगा ना, जैसे हाइट है, हाइट वी कांट सी फ्रॉम हॉरोस्कोप। गुप्ता है या अरोड़ा है, ये हॉरोस्कोप से नहीं पता चलेगा ना। अब हम गुप्ता है तो हमें गुप्ता में ही शादी करनी है, इट्स ओके। तो ये चीजें हमें हॉरोस्कोप से नहीं पता चलेगी, हमें हॉरोस्कोप से पता चलेगी उसकी नेचर, उसकी हेल्थ, ठीक है, उसका करेक्टर और प्रोजेनी, ठीक है ना। बच्चा पैदा करने की क्षमता, बच्चा पैदा करने की क्षमता वो भी होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रोफेशन हो गया वो डिपेंड्स, किस टाइप का आपको नहीं भी चाहिए प्रोफेशन तो आपकी इच्छा है, ठीक है। फिर हो गया करेक्टर, तो पांचवा वाला नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलता है। तो स्कैंडलस लव फेयर वाला कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, पीछे छुटपुट हुआ तो हमें तो मतलब नहीं। और एक और लॉन्गेविटी, उम्र गंभीर होनी चाहिए। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन तकरीबन आप देखेंगे हाउसेस सेम ही है, जो नेगेटिव है मैरिज के लिए, और जो पॉजिटिव के लिए है वो मोटे मोटे आप देखो कि एक ही है। तो दिस विल गिव गुड मैरिज, दिस विल गिव गुड मैरिड लाइफ आल्सो। गुण मिलाते हैं मुझे, नहीं गुण तो यही है ना सर, एक अच्छी बहू के क्या गुण है कि वो जो है सुबह उठे सास ससुर को प्रणाम ना करती हो, कम से कम अगर सास ससुर सुबह चाय पीते हैं या सुबह उनको कोई अदरक की चाय चाहिए या कुछ और लेते हैं वो, तो उनको मतलब लाके उनको उनके बिस्तर पे दे दें, उठते गर्म पानी पीते हैं, चलो बहू जी का गर्म पानी रख देता है, रात को उनके सिराने पे एक पानी रखाती है। तो मतलब ये बात जो है उनको मतलब इतनी भा जाएगी मैं आपको कह नहीं सकता, ठीक है ना। फिर क्या है कि सवेरे बच्चों को नहला धुला के रोटी शोटी नाश्ता बना के काम पे चली जाए, हमारे बेटे ने तो काम करना नहीं, देखो जी, ठीक है ठीक है, लंच लंच बना जाए, ठीक है जी, उन्हें तो ताश पीटनी है, शाम को मिक्सचर ले आए, बोतल तो हमारा बेटा ले ही आएगा। अब इस सब चीजों के लिए उसकी हेल्थ अच्छी रहे, बहू की दो पोते पोती हो जाए, बस एक पोता हो जाए एक पोती हो जाए, ठीक है, बस हमें और क्या चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम ए बहू ना, कि भाई घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करें, घर में जो है रिश्तेदार आए, नंदे आए, जवाई आए, तो उनकी रिस्पेक्ट हो, बस और तो कुछ नहीं चाहिए। कमाए ना कमाए आप तो ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरे कहना, ठीक। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे चाइल्ड बर्थ अगर बच्चे के लिए देखते हैं, लड़की के लिए तो चाइल्ड बर्थ देखते हैं, अगर लड़के लड़का देख लेते ना सर, अपने हमने बेटी ब्यानी है तो कैसा जवाई चाहिए, कैसा जवाई चाहिए, उम्र लंबी हो, हमारी बेटी जो है सौभाग्यवती रहे, उसकी सेहत अच्छी हो, वो कमा के लाए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए सर। हमारी बच्ची जो है सिर्फ साल में दो बार ही शॉपिंग के लिए जाएगी, एक दुबई दूसरी सिंगापुर, ठीक है, एक वर्ल्ड टूर, ज्यादा कमाई क्या करनी सर, ठीक है, डॉलर शॉलर कमा लिए, ठीक है, कनाडा शनाडा अमरीका घुमा लाया करें, यूरोप शुरू, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमें कैसा पति चाहिए,
सर वही सेम है जो मेरी कुंडली में चाइल्ड बर्थ में सारे कॉम्बिनेशन मेरी ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ाने हैं, लॉन्गेविटी भी पढ़ाना है, मैंने हेल्थ भी पढ़ाना है, मैंने प्रोफेशन भी पढ़ाना है, मैंने प्रोजेनी भी पढ़ाना है, चाइल्ड बर्थ पढ़ाना है। तो जो कॉम्बिनेशन वाइफ की कुंडली में होना चाहिए वही हस्बैंड की कुंडली में, इट इज दिस 2511 हस्बैंड की कुंडली में होगा तो इट विल बी ही विल बी फिजिकली एक्टिव ऑल्सो एंड गुड स्पॉन्स। और वाइफ के केस में उसका जो एग फॉर्मेशन ठीक होगी और जो है दोनों एग और स्पर्म जो है फ्यूज भी हो जाएंगे, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी पीरियड अच्छी रहेगी, बस यही है ना। तो दोनों में एक ही चीज देखनी है हमें, कोई डिफरेंस भी सर ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव सर ये कैसे मतलब बहू की जन्म पत्री में ये होगा तो फिर ठीक नहीं ना सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, जैसे हमारे बड़े ब्रदर इन लॉ है उनकी पहली वाइफ गुजर गई और उन्होंने फिर सेकंड मैरिज कर ली, तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? वो मैंने आपको बताया था कि जन्म ज्योतिष में विधवा या विदुर योग का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैंने बताया था वो हाथ से बदलता कोई रास्ता नहीं। अब हमें उसके बाद री मैरिज ही देखनी है, we don't have any option, so we have to again see 2711, that's all. जो first marriage है वही second marriage है, first wife क्या है wife, second wife क्या है wife, okay बस clear बस that's all, nothing else, तो हमें कोई अलग सी चीज नहीं है। ठीक सही है, thank you sir। ये मैं अगर देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं litigation या arrest, नहीं litigation arrest आप देख सकते हो वो चीज ना हो सर, बिल्कुल ठीक है वो भी देख लेंगे, वो लिटिगेशन अरेस्ट कोई केसेस ना होते, हाँ जी वो भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है सर। हाँ नो मेरे पे ही है सर। चलो एनीवे वो भी देख सकते हैं, यस दैट इज राइट, कि मतलब बहुत लिटिगेशन ना हो, झगड़े ना हो जिंदगी के अंदर, अगर अब नहीं चाहते अभी बट वी विल हैव लिमिटेशंस, लिमिटेशन का मतलब है हमको कोई ऐसी पत्री नहीं मिलेगी जिसके नो के नो प्लैनेट यही बनाते हो, तो ये सबके लिए ठीक है आप देखो, और कुछ ना हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो नानक हो जाएगा, वो भी गड़बड़ है। वो भी ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें, यह है कि मेजोरिटी प्लैनेट में अगर पॉजिटिव मिल जाते हैं और थोड़े बहुत 3-4 प्लैनेट में ये मिल जाते हैं तो वो पॉसिबल है। ठीक है सर, हमारी बच्ची जहाँ जिसकी शादी होगी तो वो भी तो कोई जो बंदा होगा, तो हमारी बेटी का जो एजुकेशनल लेवल है या हमारा जो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लेवल है उस हिसाब से, बहुत ज्यादा अगर प्रोफेशनली भी आदमी तरक्की कर जाता है तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, 6-10 बढ़ जाते हैं, 6-10 बढ़ जाते हैं, तो आप देख लो पप्पू हो, मोदी हो, मोटी हो, बहन जी हो, दीदी हो, ये किरण बेदी हो, सोनिया माता हो, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, गांधी को तो कहाँ मैरिड लाइफ अच्छी, नीतीश कुमार हो, सिर्फ एक लालू इज एन एक्सेप्शन, लालू को छोड़ के सबकी मैरिड, हाँ नहीं है, मैं नहीं कहता कि नहीं है, एक्सेप्शंस आर देयर बट दे आर एक्सेप्शंस सर, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैसे सुषमा स्वराज भी कह रहे हैं सर, लेकिन उनके पास मैरिड लाइफ के लिए टाइम नहीं है, ठीक है बहुत है, डोंट हैव एनी फ्रिक्शंस but do they have time for each other, they won't have, an IAS officer and a minister or a leader or a politician is 24 hours employee or 24 hours working for the people, this is what I'm trying to say, anna ja rahe bhi isme, to ye sab yahi hai, ye aise hi wo kejriwal bhi theek hai, married life is all right, but kya marriage life theek hai, aise koi sadak pe leta kabhi kahan leta kabhi kya, ab dekho na मैं भी वो बोला जी पितृदोष क्या है, उनको पूछा पितृदोष क्या है, तो बड़ा मजेदार एक किस्सा आया कि इसकी जो बेटी है ना केजरीवाल की, वो एक दिल्ली IIT में भर्ती है, अच्छी बच्ची है, तभी तो IIT में एडमिशन हुआ है, अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे, लेकिन जो है बच्ची भी अच्छी है, लेकिन बच्चे हंसते हैं उस पर, मैं जिस तरह हरकतें करता है इसका बाप, यही पितृदोष है। चलिए अच्छा, आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज चेक, आई एम म्यूटेड फ्रॉम टू लैंड, आप अनम्यूट कर सकते हो देवेंद्र जी अपने आप,
सर मेरी आवाज आ रही है? हम मेहता जी बोलो, अनम्यूट हो गए। यस सर। हाँ जी बोलिए सर। नहीं मैंने मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला सर। अच्छा अच्छा, ये आपने लिखा सर, थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज चेक आई एम म्यूटेड फ्रॉम टू डेट। अच्छा डजंट मैटर, ओके ओके ओके, मैं शायद आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैंने इसलिए। चलिए अब ये हो गया मैरिड लाइफ के लिए भी। हाँ एक मिनट, मैरिड लाइफ के लिए हमें यही देखना कि ये कॉम्बिनेशन जितने ज्यादा होंगे तो सेम ही है, मोर तो मैरिड लाइफ विल बी गुड। हाँ जी, जितने 1, 6, 10, 8, 12 ज्यादा होंगे इट गोज फॉर डिवोर्स, जितने 7, 8, 12 होंगे झगड़ा होगा, मारपिटाई होगी, आपस में बैसा बैसी होगी। 2, 1, 6, 8 होगा तो डिप्रेशन रहेगा, 1, 4, 10 है तो एक दूसरे का यही कंप्लेंट होगी, ख्याल नहीं रखता, इज कोल्ड, इट डजंट केयर फॉर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग, लाइक इफ वी हैव इन अ प्लैनेट 1, 6, 10 इन अ हॉरिजॉन्टल और 2, 7, 11 जो है वो वर्टिकल, हाँ, और 2, 7, 11 वर्टिकल में आ जाता है, हाँ, तो इन देयर पोटेंसी विल बी सेम और देयर विल बी सम डिफरेंस। नंबर लगा लेना सर, नीचे ओनली रहेगा सर, जितना नीचे रहेगा स्ट्रांगर हो जाएगा, बट नो अदर थिंग, नहीं और कुछ नहीं, बाकी बराबर ही रहेगा, सब लॉर्ड में रहेगा 1, 6, 10 ऐसे लंबा, तो स्ट्रांगेस्ट, देन इट इज द स्ट्रांगेस्ट सीन। प्लेनेट में है तो कमजोर है, 2, 7, 11 वर्टिकल हो गए, 1, 6, 10 अगर प्लेनेट में है, अगर ये 1, 6, 10 प्लेनेट में हो गए और ये 2, 7, 11 ऐसे हो गए तो 2, 7, 11 अब स्ट्रांगर हो गए, वही उल्टा हो गया 2, 7, 11 हो गया 1, 6, 10 नीचे हो गया तो 1, 6, 10 स्ट्रांगर हो गया, वो तो आप हिसाब लगा करोगे तो सर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, सॉरी सर, मैंने जो एक एग्जांपल लिया था 29th जून 1981 का, जहाँ पे यू नो मेरे हिसाब से, मैडम मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ जी पेपर लिखे हुए क्वेश्चन है, मैं अभी ले रहा हूँ, हाँ जी ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गए, अब एक ना मैडम आपने भी आपने सवाल पूछा था, वो था लिविंग रिलेशनशिप। हाँ जी हाँ जी, लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं इसको, एक और भी कहते हैं शादी के बाद होता है तो इसको कहते हैं मिस स्ट्रेस, जो मिस स्ट्रेस देती, ठीक है ना, वैसे अपनी भी जनानी काम स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन एक और हो जाए तो कितना स्ट्रेस है आप समझ सकते हैं। तो वो उसमें क्या हो गया, एक तो लव लव इज इम्पोर्टेंट, लव क्योंकि कौन मतलब अगर लिव इन रिलेशनशिप है इकट्ठा रह रहे हैं तो बिना मोहब्बत के तो ऐसे तो लव का क्या कॉम्बिनेशन है, 5, 12 या 5, 8, 12 लिव इन रिलेशनशिप है तो 2 और 11 फैमिली होगी, लेकिन 7 क्या समाज इस रिश्ते को नहीं मानता, तो ये कॉम्बिनेशन, ये टोटल जो कॉम्बिनेशन है दिस इज द लिव इन रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन, राइट। अब आ जाते हैं जो वीनस जी का सवाल है, लिखते हैं सर आपका क्या सवाल था, बोलिए। मरवा दिया यार आपका सवाल, अभी याद आया तो देख लेते हैं, याद है कर लो फिर, नोट कर लिया करो यार कॉपी में, मेरी मेरी अपने कुंडली मैच नहीं कर रही, वो कोई बात नहीं यार कुंडलियां मैच हो जाए, हम तो अपनी अपनी कुंडली में सीख सर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, मैं हूं ना कर सकते हैं सर, यही बात। सर डिवोर्स के लिए 6-10 भी काफी है सर? नहीं हमें मतलब मिला के सर 1-6-10 स्ट्रॉन्गर होना चाहिए मैरिज से भी ज्यादा, जैसे प्लान दशा में 6-10 हो गया तो भुक्ति में 1-6 हो गया, उधर 1-6-10 पूरा हो गया, कुछ तो चाहिए ना, राकेश भी चाहिए, राकेश बिना राकेश के 9-10-12 क्या बता रहे थे, बोलू ना 24-10-87 मैं बोल जाता हूँ, 87-17-15
इसका क्या करना है कि इसमें देखते हैं जैसे दशा चल रही है मरकरी की, ठीक है, अब सारे ब्रांड देखते हैं जैसे केतु है, ये मेरे कप डिफरेंट क्यों है। चल अच्छा बिस्कुट ला दे, चल मत सवाल ले जा, बिस्कुट ला दे यार, पानी दे दे यार भाई, ठीक है। केतु जो है वो पॉजिटिव है, पानी है ना, वीनस पॉजिटिव है, सन डिनायल हो गया, मून भी डिनायल हो गया, मार्स पॉजिटिव है, राहु ठीक है, जुपिटर की हालत खराब है, शनि की भी हालत खराब है, डिनाई हम नहीं कहते बट हालत खराब है, मरकरी बहुत कमजोर हो गया। अब जैसे अगर हमने शादी की बात करें, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर मुक्ति, पानी गलत मुझे भी दे दे रहे हैं, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर मुक्ति फॉर मरकरी, उसमें 1/6 जो है नक्षत्र में कंप्लीट है, तो वी कैन थिंक कि मरकरी मार्स मरकरी राहु में जाके ही बात बनती है, उससे पहले बनती नहीं, इससे पहले नहीं है। विनय जी समझ में आ गया बात या मतलब इस पे और फर्दर? जी सर, इसकी अभी शादी हुई अक्टूबर में, तो काफी झगड़े हो रहे हैं। जैसे की हुई, एक मिनट देखें कि जैसे हो गया अक्टूबर 2018, तो सन तो नहीं बताता जी, ये तो 1/6 है, ठीक है, अगर सन नहीं बता रहा तो इट मींस कि पत्री के टाइम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, ठीक है। तो इसको फिर हम पता क्या करते हैं, फिर पहले तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता था, अब सिंपल करते हैं हम, जैसे इसको 10 आगे कर लिया, आपने टाइम दिया 17-15, 10 हमने आगे 17-25, फिर हमने क्योंकि इसमें 10 का टूल है इसलिए अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में, 10 पीछे कर लिया, ठीक है जी, और मतलब 10-5 पीछे आगे करके देख लिया। तो अगर हम इसको पीछे करते हैं तो फिर बात कुछ समझ में आती है, अदरवाइज समझ में नहीं आती ये जी, क्योंकि इसकी 6 अक्टूबर को शादी हुई है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसमें तो ये डिनायल है, इसमें नहीं है सर। इसी तरह लास्ट चैप्टर में भी ये कुंडली एक मैंने आपको दी थी, उसमें भी 3 का फर्क आया था। हाँ सर, 3 का फर्क था तो था, अब क्या कर सकते हैं। जी 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 जी, तो उसमें एक चीज पूछनी थी कि अगर दशा, वो सर सन तो पूरा नेगेटिव ही है ना सर, एंगेजमेंट जुलाई 2018 सर, एंगेजमेंट कोई बात नहीं, एंगेजमेंट का कोई एंगेजमेंट का पूछ, दशा अगर डिनाइल कर रही है एंगेजमेंट सर जी, वीनस से सवाल बताया नहीं, मतलब वो तो वीनस में ही होगी ना सर, लेकिन बात यह है कि सर अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर सन में अगर शादी हुई तो फिर तो एंगेजमेंट भी ब्रेक होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये क्योंकि 1/6 तो इसका मतलब वो 5-7 का फर्क है सर। वो दीपक जी जी जी, हमने 3 का किया था, यहाँ भी मैंने 10 का नहीं किया, मतलब 10 मैंने वैसे ही कर दिया क्योंकि मैं 10 का टूल है इसमें सर। एक तो चीज कंफर्म ये करना चाहता था, अगर हम इसको मतलब 6 कर लेते हैं तो ही हो जाता है काम, वैसे तो मतलब वही कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो हमें नहीं पता 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, सेम वे जो 3 हमने आगे किया तो वो 5 भी हो सकता है। जी जी जी, तो हमने फर्दर दशा भुक्ति के लिए पूछना था कि अगर दशा हल्की सी डिनाइल कर रही है तो क्या उसकी दशा में भुक्ति में कुछ काम हो सकता है मैरिज? सर दशा बिल्कुल डिनाइल होनी चाहिए तभी हम डिनाइल करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, अगर दशा में कहीं ना कहीं 2, 7, 11 में कोई एक आ जाए, मतलब अगर केवल 2 आ जाए या केवल 7 आ जाए या केवल 11 आ जाए, तो उसकी भुक्ति में कुछ विवाह का योग बन सकता है सर? अगर अगर दशा में कुछ प्रोबेबिलिटी है तभी हम भुक्ति में जाए, ये तो कई बार में ये चाहे दशा हो चाहे भुक्ति हो चाहे अंतर हो, मैं जी 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 मैं ये खत्म हो जाएगा सर। मैं भैया कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट पहले हुई है तो इसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मैं 10 आगे करूँ चाहे 10 पीछे करूँ, सर हमें एंगेजमेंट देखनी है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंगेजमेंट देखनी है, एंगेजमेंट के बाद ये आ गया,
अब इसमें तो फिर एंगेजमेंट ब्रेक हो जानी चाहिए ना, तो इसलिए 5-7 मिनट का फर्क हो सकता है। अभी इसी में सर अगर मैं 10 मिनट पीछे किया एक्चुअल टाइम तो चेंज हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो इस टाइम पर दशा और गुप्ती क्या आ गई, मर्करी एंड वीनस। वीनस मर्करी वीनस हो गया, अगर हम 10 मिनट पीछे करते हैं एक्चुअल टाइम से तो वीनस खत्म हो रहा है जून में, शादी हुई अक्टूबर में, तो वीनस के बाद अगेन सन आ जाए फिर शादी नहीं होनी चाहिए। दस मिनट पीछे गया तो कॉम्बिनेशन आ गया शादी का, फिर नहीं कम हो गया। शादी जो हुई सर वो तो उसी में हुई ना अक्टूबर में, देन सन आ जाएगा अपनी आप तो शादी नहीं होनी चाहिए सर। सर ऐसा है ना कि जैसे मरकरी वीनस एंगेजमेंट होगी तो फिर मरकरी सन आएगा, मरकरी सन में 1-6-10 है तो जो है एंगेजमेंट ब्रेक हो जानी चाहिए। तो अगर 1-6-10 है एंगेजमेंट ब्रेक होना नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये टाइम ठीक नहीं है, तभी हमने 10 मिनट इसको पीछे। मैं इसी को रिवर्स करना, रिवर्स करो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी हो गई 6 अक्टूबर को, मान लो हाँ जी हो गई, हाँ जी ठीक है। अगर हम इसके जा रहे हैं कि हमने 10 मिनट पीछे किया तो हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी क्योंकि वीनस आ गया, वीनस इज हो जाएगी मतलब हो गई मतलब है इसमें एंगेजमेंट हो गई सर 10 मिनट पीछे का ले जाते हैं, 10 मिनट पीछे ले जाते हैं तो वीनस कॉम्बिनेशन आएगा तो वो ठीक है। उससे पहले हम कह रहे थे कि सन है तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो नेगेटिव दे रहा है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब शादी हमारे पास डेट आ गई थी 6 अक्टूबर को शादी हो गई, हाँ जी उससे पहले एंगेजमेंट हुई होगी, हमने इसलिए 10 मिनट पीछे किया। हाँ और वीनस नहीं नहीं हमने इसलिए नहीं किया था, नहीं मैं वैसे हमको छे नहीं नहीं हमने इसलिए नहीं पीछे किया, हमने इसीलिए पीछे किया कि हमें सन में क्योंकि ये है तो हमें सन में शादी भी नजर नहीं आ रही क्योंकि एंगेजमेंट ब्रेक होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, अगर हम वीनस में देखते हैं तो हमें शादी नजर आ रही है, एंगेजमेंट नजर आ रही है इन बोथ द केसेस, बोथ इन बोथ द केसेस ठीक है। अब अगर किसी की दशा को देखता हूँ तो ये जून में खत्म हो जाएगा, हाँ जून में खत्म हो चुकी है, हो चुकी है हाँ। तो उसके बाद जुलाई से अगेन मरकरी सन आ जाएगा, जुलाई से मरकरी सन आ चुका है, जून से ही आ चुका है हाँ। अब शादी हो गई अक्टूबर में, हाँ। नहीं होनी चाहिए, और ये कह रही कि है शादी 6 अक्टूबर की, क्यों नहीं होनी चाहिए, रीजन बताओ ना, वो 1-6-10 आ रहा है ना, तभी तो पीछे भाई साहब अब आ गए ना, ये देखो ना इसीलिए तो किया है, नहीं तो मैं क्यों करता, टाइम की प्रॉब्लम थी। प्लीज शेयर द स्क्रीन विद अस, ओके समझ गया सर, अब आ क्योंकि सन फिर चेंज हो गया, मैं सन वही मान रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, ये है इसमें हम नहीं मान सकते जनरल साहब, इसमें हम नहीं मान सकते कि शादी को कि अगर एंगेजमेंट हुई वीनस में तो ये सन में एंगेजमेंट ब्रेक होने का नजर आता है, तो हमें इसलिए हमने करेक्ट इसलिए इसको किया, हालांकि इसमें भी 1-6-10 है बट वी हैव सम पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस। अगर 1-6-10 8-12 है फिर तो जो है वो भी खराब हो जाएगा, क्या कहते हैं सन में भी अभी भी प्रॉब्लम दिखती है, कहाँ प्रॉब्लम दिखती है सर, 1-2-7-2-7-2-7-1-2-7 आपको सर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मुझे भी तो कुछ चाहिए ना सर, कुछ तो चाहिए मतलब ठीक है, लेकिन 1-6-10-8-12 को तो मैं नहीं मान सकता ना सर, मेरी अपनी प्रॉब्लम, 1-6-10-8-12 को मेरा एंगेजमेंट ब्रेक मानूंगा, ये बात तो ठीक है ना, ये मैं अच्छा अब अजी एक मिनट ले लेती, अब आ जाते हैं किसका सवाल है, हाँ अब आ सवाल है सर एक मिनट, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अक्टूबर में शादी हुई तो अभी काफी झगड़े हो रहे हैं क्योंकि टाइम भी प्लैनेट्स के मुताबिक ठीक नहीं है, तो क्या डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है, सेपरेशन डिवोर्स झगड़े होते रहेंगे वो तो क्योंकि इसमें 1-6-10 या 6-10 वगैरह है तो झगड़े तो होते रहेंगे, वो कोई बात नहीं है। अब ये है कि डिवोर्स होगा नहीं होगा, उसके लिए बेहतर ये है कि वी विल हैव टू टेक दी हॉरोस्कोप ऑफ दी हस्बैंड आल्सो, वो ले लेंगे तो हमें और बेनिफिट हो जाएगा अगर अवेलेबल है तो,
जी सर है, तो फिर देख लेते हैं आप मेरे को। जी मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ एक मिनट में बता दूँ। अभी हम उसमें भी हम ये नहीं कह रहे एक्यूरेट है अभी, तो हमने जो कि चैप्टर किया अभी हम क्या करेंगे कि इन केस इफ वी वांट टू करेक्ट और उसको वी टेक अनदर टू थ्री इवेंट्स ऑफ लाइफ, वैसे उसकी उससे पहले एजुकेशन है, कोई हेल्थ खराब है, तब जाके हम उसको बोलेंगे हाँ यार अब ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हम हमेशा 5-10 मिनट आगे पीछे दाएं बाएं करके अपना हमने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करा। जब भी हमारे पास आदमी आएगा देयर इज ऑल द पॉसिबिलिटी कि उसमें 5-7 मिनट 10 मिनट का फर्क हो ही सकता है कि बच्चा पेट से निकला, नाल काटी गई, रोया, टाइम आपने कब नोट किया, नर्स ने किया, आपने नहीं किया, उसकी घड़ी आगे थी पीछे थी। आजकल तो कोई समस्या नहीं, आज तो मोबाइल पे देखो सही टाइम। आज से हम 50 साल पहले चले जाएंगे, मैं मैकेनिकल वॉचेस देख लो या इवन 30 साल पहले देख लो तो वॉचेस में ही दिक्कत, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। जब भी हमारे पास कोई जन्म पत्री आएगी तो हम उसको एक नजर मार लेंगे कि ये जो आदमी हमारे पास बैठा है कितना पढ़ा लिखा, एक आइडिया हो जाता है, 2-4 मिनट मार के उसको हम नहीं बता रहे कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि हमेशा जब कहेंगे आओ जी पहले पत्री ठीक करें, इट इज नॉट प्लीजिंग टू द अदर पर्सन। जब हम एक तो हमें उसको करेक्ट प्रेडिक्शन देनी है, एक हमने उसको इरिटेट भी नहीं करना, तो उससे नजर मार लेंगे सब ठीक है तो फिर हम बोलेंगे चलो मामला ठीक है। सर उसका डिटेल है June 18th, 1988 जी, टाइम है सुबह का 10:54 न्यूयॉर्क, ये तो यूएसए में होगा ना जी, ये हमारी प्रेडिक्शन। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क है ना जी, न्यूयॉर्क अमेरिका बड़ा टफ है, इसके अंदर ना बड़े सारे पंगे हैं। वैसे एक्चुअल जगह तो जमैका है बट न्यूयॉर्क में ही आता है। चलो कोई बात नहीं, 12 जून 88 10-14 USA ठीक है। अब इसके भी जन्म पत्री देखते हैं, जैसे वीनस है ठीक है, सैटर्न है। अब इसकी जन्म पत्री हम देखेंगे तो जैसे केतु इज नेगेटिव, वीनस इज ओके टाइप, सन इज भगवान बलि करे उसमें दम है नहीं, मून ठीक सा है, मार्स भी ठीक सही है, राहु ठीक सही है, जुपिटर नेगेटिव बता रहा है, डिवोर्स बता रहा है, शनि जो है वो डिवोर्स बता रहा है, 1/16 उसमें है ठीक है ना। अब मरकरी जो है वो पॉजिटिव है, अब ये वीनस शनि का तो पीरियड अभी शुरू हुआ है जो पॉजिटिव है, नेगेटिव दोनों है और नेगेटिव ज्यादा है। अब क्योंकि ये अमरीका है तो अब इसमें मामला गड़बड़ ज्यादा है, क्योंकि जो हमें इंडिया के केस के अंदर तो क्या कि बड़ा टाइम लगता है, इसमें तो वो अकेला भी चला जाएगा, डिवोर्स चाहिए तो बीवी की जरूरत नहीं, अकेला ही ले आएगा वहां पर, ऐसा बीवी की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड गया मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, बीवी बोले मैं रहना चाहती हूँ, बोले तू रह ले फिर, इसको तो डिवोर्स दे देते हैं तू जिसके साथ, मतलब जज डजंट लिसन टू दैट। इवन लेडी भी अगर बोलती है मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो डिवोर्स, और अमरीका में ये है कि भाई आप हर एक से डिवोर्स ले सकते हो। जैसे मेरी बेटी बोलती है पापा मैं मम्मी से डिवोर्स ले सकती हूँ, बेटा मम्मी से डिवोर्स नहीं ले सकते, वहां पर हर एक से डिवोर्स लिया जाता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, आई एम सीरियस। यू कैन टेक डिवोर्स फ्रॉम योर चाइल्ड, यू कैन डिवोर्स टेक डिवोर्स फ्रॉम एनीबॉडी, वो फिर आपकी जिंदगी में दखल नहीं है, तो वो आपके घर नहीं आ सकते, आपको फोन नहीं कर सकते ठीक है जी। तो इस तरह से लेते रहते वहां पर, तो यहाँ पर तो मामला बहन जी गड़बड़ी लग रहा है, क्योंकि मामला गड़बड़ी, हमें डिवोर्स के लिए क्या चाहिए,
राकेश 1610 812। अच्छा 812 ज्यादा जो हमें चाहिए वो इंडिया के लिए चाहिए, अमेरिका के लिए नहीं चाहिए। तो उसका भी हॉरोस्कोप खराब है, हमने देखा ही है, सन भी 1610 बता ही रहा है। और इसका जो हॉरोस्कोप है लगा लेते हैं दोबारा, इसका जो हॉरोस्कोप है वो भी मामला खराब है। केतु भी 1610 बता रहा है ये जनवरी तक चलेगा, तो यहीं तक ही काम हो जाना है इनको, अमेरिका वाले इतना देर नहीं लगाते, इंडियन होते तो हम खींच लेते। तो मामला मैडम खराब ही है, दो मैलेफिक आ गए, तो हमें लगता नहीं कि मैरिज बचेगी। बाकी वहां पर भी खैर 2-4-5 महीने जरूर लग जाते हैं बातचीत। जी सर, सर जैसे आपने बताया था ना पिछली क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स, तो मैंने बना के देखा था, तो इसमें दिखा रहा है कि इसके मार्स में मतलब बेटर टाइम लग रहा है, मरकरी और मार्स के पीरियड, मार्स आते आते तक जो है हमें दिसंबर तक आ जाएगा, दिसंबर 2019। यहाँ तक बात रुकेगी नहीं, इंडिया होता रुक जाती ना। इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है कि अगर मैरिज आज हुई तो कई बार होता है सेम डे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट डजंट एंटरटेन यू, कोर्ट से कम आफ्टर वन ईयर, यू कम आफ्टर वन ईयर, फिर उसके बाद फिर कोर्ट बोलती है नाउ यू कम आफ्टर 6 मंथ्स। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स भी डालना चाहते हो तो कोर्ट विल टेल यू टू कम आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद फिर कोर्ट बोलती है ठीक है अब नहीं है तो अब ठीक है। तो 1.5 साल तो मिनिमम है, 1.5 का 2.5 हो जाते हैं। मतलब अमेरिका में ऐसा नहीं है ना, पहले दिन ही झगड़ा हुआ, सवेरे शादी शाम को झगड़ा, अगले दिन सवेरे जाके डिवोर्स, काम खत्म। उसमें तो कुछ ज्यादा लंबा इतना भी फास्ट नहीं, मतलब 2-4 महीने में हो सकता है, मेरे कहने का मतलब ये। सर जैसे अब आपको, जैसे आपको दिख रहा है कि डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है, तो जैसे उसके बाद जब ये मरकरी और मार्स की जब दशा आएगी तो रीमैरिज की पॉसिबिलिटी है। हाँ, मार्स के टाइम दोबारा हो जाएगी, उसमें क्या, बट ऑन द होल जो मैरिज के इसके जो प्लैनेट्स हैं जो लड़की के, वो आप कितने परसेंटेज कहेंगे ठीक है? परसेंटेज का मतलब नहीं होता ना, ये पीरियड ठीक है ये पीरियड खराब, नहीं होता ना। एक प्लैनेट खराब होगा जिस समय पे भुक्ति खराब है, खराब है। अब 1610 आ रहा है भुक्ति में, उसके सन में तो 1610 है, आगे मून अच्छा हो जाएगा तो मून अच्छा हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते ना कि जन्म पत्री दिस मच परसेंटेज गुड दिस मच परसेंटेज बैड, हम ये कह सकते हैं इस समय पे इतनी परसेंटेज। सर जैसे इसका अगर आप वीनस देखेंगे ना तो नक्षत्र में 1 और 10 है और सब लॉर्ड में 11 है। तो मैडम नेगेटिव ज्यादा मतलब है ना कि जो अब आप देखो कि 110 है तो 110 है ना, वो तो वीनस तो चला गया ना, अब तो सन की बात करो आप, अब तो सन है ना, सन 1610 बता रहा ना जी, नहीं वीनस, क्योंकि वैसे वो क्योंकि आपने बताया ना मैरिज का वो मेन प्लैनेट है वीनस। अरे नहीं ना, वो उसका पीरियड नहीं चल रहा ना जी, उसका पीरियड नहीं चल रहा, हमने उसको क्यों देखना है, जो अभी चल रहा है उससे देखना ना, वीनस को क्यों देख। तो बॉटम लाइन ये है फिलहाल कि डाइवोर्स की काफी पॉसिबिलिटी है, मगर बाद में मार्स का जब आएगा, मरकरी और मार्स का, तो रीमैरिज की पॉसिबिलिटी है। अभी तो ये लग रहा है कि इनका जो है मतलब यहाँ पर मामला अब गड़बड़ गया। ठीक है जी उमंग सर। हाँ जी सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे दशा भुक्ति अंतर, अगर मान लीजिए लड़की की कुंडली कह रही है कि दशा के अंदर जो है उसका डाइवोर्स है नहीं है, और अंतर दशा भुक्ति कह रही है कि दैट डाइवोर्स पॉसिबल इज देयर, एंड जो अंतर है दशा भुक्ति अंतर के अंदर जो है वो डिनाई कर रही है, तो उस केस में हम अंतर दशा, सॉरी दशा बिल्कुल नहीं बोल रही फिर तो नहीं है, लेकिन भुक्ति कह रही है दशा बिल्कुल नहीं बोल रही तो नहीं करता, लेकिन दशा में कुछ भी हो, मैं कहता हूँ 30% हो, अगर भुक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग ना करने मतलब डिवोर्स करने खड़ी हो जाएगी तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, ये जो मैडम जी आपका सवाल था जो आपने भेजा था मुंबई से 22 दिसंबर 2018 11:18 अभी का लगा देते हैं, जगह नाम है कनाडा और प्लेस का नाम है येलो नाइफ मतलब पीला चाकू। ठीक है, ऐसे नाम हमारा तो थोड़ा नाम भी रखने में हाथ तंग है इनका बेचारों का, गरीबों का बहुत गरीब लोग हैं यार, क्या बताएं।
आगे पता चलता है, वहां यहाँ सारे अमीर बताते हैं, वहां जाकर पता चलता है सब समान क्या। अभी ये जन्म पत्री आप देख लो, इसमें हमारा 5 मिनट मेरे को दे दो, मैं भी आया, 5 मिनट दे दो मैं भी आया। अब आप इसमें देखो कि ये चलित क्या है, ठीक है, और नीचे नंबर क्या लगे हुए, ध्यान से देखो, मैं भी आया 5। ठीक है, तो हमारे इंडिया में तो इतना लफड़ा नहीं होता कि जो असेंडेंट है 9 है तो सेकंड हाउस में बना जाए कि 10, 11, 12 गायब, ठीक है ना। लेकिन हमें नीचे जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो वैसे ही बनाएंगे, जैसे आप जुपिटर का देखो तो फर्स्ट का लॉर्ड है, 12 का लॉर्ड है और 9th में बैठा है, ठीक है। मार्स जो हो गया वो फर्स्ट में बैठा है, सेकंड 9, 10, 11 का लॉर्ड है, ठीक है ना। तो अब वीनस भी जो है ज्यादा हाउसेस बता रहा है ना, तो इसमें क्या है कि शनि जो है वो बेचारा विधवा हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। उसका 10, 11 तो बेचारे के गए, 10, 11 चले जाएंगे तो उसके ऑपोजिट वाले भी चले जाएंगे, 4 और 5 मतलब मून और मार्स वाले भी, मून और सॉरी सन का जो राशि है वो भी गायब सर, वो गायब ऐसे हो जाएंगे। ये आप देखो कि जो हाउस जो डिवीजन है उससे आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट हाउस इज वेरी बिग, फर्स्ट हाउस सेजिटेरियस से 24 डिग्री से शुरू होगा और फर्स्ट हाउस इतना बड़ा है कि वो तकरीबन हो गया कैप्रिकॉन भी इसमें आ गया, एक्वेरियस भी आ गया, पाइसिस भी आ गया, तो इसका मतलब ये करीब 100 डिग्री का घर हो गया, ठीक है सर जी। और आप देखो कि थर्ड हाउस जो है ये 15 डिग्री का है, फोर्थ हाउस जो है ये टॉरस, टॉरस अगेन तो 10 डिग्री का, 10 डिग्री, फिर जो है फिफ्थ हाउस भी 10 डिग्री का, 29 जो भी है ना। तो इस तरीके से जो हाउसेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब लेटीट्यूड्स आर वेरी हाई, लेटीट्यूड हरी हो गया, ये येलो नाइफ है, इसकी जो डिग्री है आप देखो लेटीट्यूड की जो डिग्री है दैट इज 62 degrees 27 minutes, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, इट इज 28 degrees 39 minutes, तो वहां पर बहुत ज्यादा लफड़ा हो जाता है। लफड़ा क्या हो जाता है मैं एक बार फिर दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लफड़ा मैंने शब्द प्रयोग किया है। वो आप देखो सन कहाँ पर है इस समय पे, जो असेंडेंट में वो लगन चार्ट में देखो सन कहाँ है, फर्स्ट हाउस में, ठीक है। टाइम क्या है 11 बज रहे हैं, मतलब अभी सनराइज हुआ है, येलो नाइट, ठीक है।
अब डे कितना बड़ा होगा मैं आपको दिखाता हूं। तीन 18 में खत्म, ठीक है ना? तो ये शाम को 3:30-3:15 बजे सनसेट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो वहां यही होता है। एग्जैक्टली मैं बताऊं, अगर येलो नाइफ का, येलो नाइफ में इस समय पे रात दिन नहीं है, ये भी दिखाई रहा है थोड़ा बहुत, मतलब लाइट सी दिखेगी बस, सन नहीं दिखता वहां। अगर हम 21-22 दिसंबर में बैठे, येलो नाइफ में 10-12-15 दिन सन दिखता नहीं है सर्दियों में, जैसे शाम होती है ऐसा सब, बस वो लाइट सी दिखेगी बस, ठीक है? इस वजह से जो है असेंट, ये जो है ना निरायण भाव चलित जो है, ये डिस्टर्ब हो जाता है वहां पर, ज्यादा डिस्टर्बेंस है, हमारे इंडिया में नहीं। अब हमारे यहाँ पर है कि सुबह 7 बजे मतलब जो है लाइट सी दिखनी शुरू होगी, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में पहले हो जाएगा क्योंकि देयर इज मोर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है? गुजरात में और बाद हो जाएगा क्योंकि वो टुवर्ड्स वेस्ट हो गया है। तो यहाँ शाम को अब आज के दिन के 5:15-5:30 बजे अंधेरा हो जाना है आज, ठीक है ना? गर्मियों में उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो सर्दियों में आप देखो 7 बजे अगर सूर्योदय 7:15 है, सनसेट 5:30 है, तो मोटे तौर पर ले लें तो 10 घंटे का दिन मोटा मोटा है ना? वहां पर जो है 4-4 घंटे के दिन है, 2-2 घंटे के दिन है, 1-1 घंटे का दिन है। यूरोप के अंदर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे 6-7 घंटे का दिन है। तो ये मतलब जो है समस्याएं आती हैं, तो वो क्योंकि वो जो है मैं आपको बना के दिखाऊंगा, अभी थोड़ी हालात तबीयत के अच्छे नहीं लग रहे, ड्रॉ करके दिखा दूंगा उसके ऊपर, जो बोर्ड के ऊपर वो मैंने दिखाया भी था, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास के अंदर। तो वो अर्थ के वो इंक्लिनेशन की वजह से, नहीं, अर्थ के इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सन, उसकी वजह से जो है वो जो ये डिस्टरबेंस होती है, इस वजह से हाउस कंप्रेस हो जाते हैं या हाउसेस बड़े हो जाते हैं, ये रीजन ये होता है। उस वजह से ये निरायण भावचलित बिगड़ जाते हैं। निरायण भावचलित बिगड़ने की वजह से हमें जो है नंबर्स जो है इसी तरीके से लेने हैं जैसे निरायण भावचलित में। ये मैडम समझ में आ गया वो आपको? सर, हाँ जी सर, मोदी जी की जो मैं देख रही थी उसमें वैसे ही था। वो क्या मतलब मोदी को क्या लेना, मतलब ऐसे ही I was just watching one of your videos, तो जब ही मेरे ध्यान वहाँ पे चला गया, तो इसके लिए ये क्वेश्चन। मोदी जी अब रेवड़ी में बांट रहे हैं, वो रेवड़ियाँ खाओ, मोदी जी का मजे लो, अब आप सब GST खत्म, अब 18% से में ही कर रहे हैं सब, ये 18% से लेस कर रहे हैं, आज आ जाएगा सब, कह दिया घोषणा तो उन्होंने कर ही दिया है ना। हाँ जी, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक सर अभी इनके सवाल है मसल जी का, वो इनका सवाल है कि 9, 10, 12 अगर होता है तो उसका क्या मतलब है, ठीक है ना सर? ये एक 7, 10, 12 है तो उसका क्या मतलब, ठीक है? मेजर हो चाहे माइनर हो, तो कॉम्बिनेशन करेंगे फिर उस पे बात है। सर 1, 10, 12 का क्या मतलब, ठीक है ना? तो इसमें मैं 150 किताबें लिखना चाह रहा हूँ, जैसे ना 1, 2 का क्या मतलब है, 1, 3 का क्या मतलब है, 1, 4 का है ना सर, इस तरह से 1, 12 आ जाएंगे सर, इस तरह से 2, 3 से लेकर 2, 12, ठीक है ना? ऐसे फिर इस तरह के 3 वाला शुरू हो जाएगा सर, 1, 2, 3 का क्या मतलब है, 1, 2, 4 का, अप टू 1, 2, 12, फिर आ जाएगा 1, 3, 4 का क्या मतलब है, 1, 3, 12 का क्या मतलब, ऐसे। तो इसी में आपके 1, 10, 12 ढूंढ लेना 150 किताबों में। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो फिर ये खत्म नहीं होगा, ये 3 नंबर के हैं, फिर 4 नंबर के हैं, फिर 5 नंबर के हैं, ठीक है? फिर दशा में 3 नंबर वाला है, मुक्ति में 2 नंबर वाला है, ग्रैंड में 3 है, नक्षत्र, तो यू विल गेट मैड। तो मैं न तो पागल हूं ना बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना? दोनों है कि वो कब तक हम इस पर डिस्कस करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव तो है कि हमने प्रेडिक्शन करनी, तो हमें ऐसे देंगे जो 9, 10, 12 का। अब हम अगर इससे सवाल पूछेंगे तो इसमें जवाब मिलेगा, सवाल क्या पूछेंगे, नो ही सवाल है इसमें, थोड़े उसके कोरोलरीज और बढ़ सकते हैं। जैसे इससे पूछो सर आप मैरिज के लिए कैसा है, डिनाई कर रहा है सर। ट्रैवल के लिए पूछो, 9, 12 दोनों ट्रैवल के लिए बहुत पॉजिटिव। प्रोफेशन के लिए क्या है,
डन है पॉजिटिव। इस तरह से पूछेंगे सर ये जवाब मिल जाएगा, लेकिन हम ये पूछे 9, 10, 12 क्या कहता है तो भी जवाब मिलेगा। सेम है सर, 7, 10, 12 इट इज 50-50 फॉर मैरिज, फॉर प्रोफेशन इट इज गुड, फॉर ट्रेवल इट इज गुड, सेम एजुकेशन के लिए कैसा है, लव अफेयर के लिए कैसा है, हेल्थ के लिए कैसा है, तो मेनली तो सवाल यही है। Yes, के बारे में सर आप देखो सर आप आए मेरे पास ठीक है ना सर, तो मैं ये कह रहा था कि आप मैं आपकी जन्म कुंडली देखना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे, या ये पूछोगे कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाभी जी की भी ले आओ साथ में, ठीक है, कहाँ गलती है, क्योंकि जो आदमी कंप्लेंट कर रहा होता है ज्यादातर कलेश होता है कि उसी में वही वहां ज्यादा ट्रबल होती है। हस्बैंड अगर पत्नी ले गया रहा है कि मेरी मतलब बीवी से नहीं बनती, ऐसे कहती वैसे कहती, तो जो देख लो पहले इसी की देख लो, तेरी बीवी ऐसे, भाई किसकी बीवी ऐसे नहीं कहती, ये तो कौन सी नई बात बता रहा है, हमें नहीं पता, हमने नहीं शादी की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वहां पर हमें दोनों औरत को चाहिए, मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। फिर क्या हो गया कि प्रोफेशन के लिए पूछोगे, फिर क्या हो गया हेल्थ के लिए पूछोगे, अगर आप पंजाब से आए हो तो आप कनाडा के लिए पूछोगे, गुजरात से आए हो तो कहीं के लिए भी पूछ सकते हो, इंडिया में नहीं रहना चाहते, बाकी लोग ज्यादातर बाहर जाने के इच्छुक कम होते हैं, ये नहीं होते कि नहीं होते, ये दो को मतलब पंजाबी को तो कनाडा जाना है, आप बाईपास पे खड़े हो जाओ, जो भी कार जो है जा रही है पंजाब उसे रोक के कनाडा जाना है जाना। आप वैन पे लिख दो कनाडा का वीजा यहाँ मिलता है, और भाई साहब देखो तू नहीं अब पंजाब में वो वैन चला दो, देखो पीछे पीछे दुनिया कैसे बात है, आप समझ, यही 4-5 क्वेश्चन है सर। या मतलब जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, और या कोई लिटिगेशन हो गया, तो यही सवाल और तो है, तो इसी में ये 5-7 सवाल होंगे, इन 5-7 सवाल का जवाब देना हो तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये गल मैं बता देते भाई, आगे आने वाले 5-7 साल आपके प्रोफेशनली कैसे रहने हैं, या हेल्थ कैसे रहनी है, या क्या क्या आपको बीमारी हो सकती है उसका भी ख्याल रखना, बस यही असर हो तो है नहीं, तो इसलिए अगर हम यूं करते हैं 9-10-12 क्या कहते हैं 7-10 डजन कैरियर सर इवेंट सर यही इवेंट होने ना जिंदगी सर, क्या हो आपकी जिंदगी में आज तक हुआ क्या, आप पैदा हुए उसके बाद आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद आपकी नेटवर्क कुछ फिजिकल हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन इंपॉर्टेंट थी, आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब लग गई, आपने काम किया, आपकी शादी हो गई, शादी इंपॉर्टेंट थी, बच्चे हो गए सर, बच्चे इंपॉर्टेंट थे, बच्चे हो गए, उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, नहीं खरीदी हो जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ रह ही रहे हैं, जो माँ बाप का घर है वहाँ रह रहे हैं, व्हीकल खरीदा हो गया, कोई कभी कभी बीमार हो गए थोड़ा ठीक भी हो गए, कोई बाहर थोड़े बहुत घूमने और क्या कर हो, क्या कर लिया आप मेरे को बता दो, आप इससे ज्यादा क्या कह लिया, इसके ज्यादा क्या कर लोगे, यही होता है नहीं, क्या कर क्या लेंगे हम, वो धीरे धीरे बाल भी जो है गिरने लग जाने हैं और वह होना क्या सर, कुछ ना होना, और यही सवाल यही जवाब है, हमारे पास तो सर आम आदमी नहीं आना है, मैं भी आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास आदमी, मेरे को मिडिल क्लास ही आएंगे, मेरे पास रिच नहीं आना नहीं। अगर मैं जैसे सर आप होम्योपैथी एक्यूपंचर भी करते हैं, वैसे भी एमबीबीएस डॉक्टर एक्यूपंचर करते हैं, चलो एनीवे मेरे कहने का मतलब है चलो anyway, मतलब जैसे डॉक्टर साहब मतलब अगर बैठे हैं साउथ दिल्ली में तो साउथ दिल्ली के लोग आएंगे, वेस्ट दिल्ली में बैठे तो वेस्ट दिल्ली के लोग आएंगे, डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं किसी को बहुत खास तो फिर तो दुनिया भर से आएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना ना जिंदगी में, ये क्या। अब एक सवाल हो रहा है यार वो निकल गया नीचे, किन का सवाल था, सवाल गायब हो गया वो, ललित जी आपका सवाल था एक, प्लीज आप लिख दोगे दोबारा से, कोई आपने औरस को हाँ क्या बताओ, थोड़ा सा दैट इज फॉर द मैरिड लाइफ, If I am saying, see, मेरी अजबी जन्म पत्री से मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मेरी वाइफ लड़ाकी है,
ये आपका पॉइंट ठीक है कि अगर हम ये अगर हमसे कोई पूछता है, ये क्वेश्चन काफी आता है कि ये पत्री बताओ कि इस भाई इसकी शादी कब होगी, इसकी वाइफ क्या करती होगी, जॉब भी होगी बिजनेस में होगी, सॉरी वी कांट आंसर, बट पीपल मतलब पंडित आर इन अ हैबिट ऑफ आंसरिंग, देयरफॉर वी आल्सो हैव टू आंसर, बट इट कैन नॉट बी आंसर। मैं ही जानना चाह रहा था जी, बताइए सर। जैसे अब प्रॉपर्टी लेनी है मैंने जी सर, पहले आपकी शादी हो गई या बच्चे हो गए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इन सब का जुड़ाव भी आपसे रहता है क्या? किसका जुड़ाव सर? कि मैं अभी अपनी पत्नी देखता हूँ, मैं अपने डिसीजन निकाल रहा हूँ, प्रॉपर्टी में हाँ जी मेरी मैरिज हो गई, नाउ वाइफ ज्वाइन विद मी, ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, हाँ जी हो गए, मेरी किस्मत में मान लो नहीं थी प्रॉपर्टी, मैं क्वेश्चन तक समझ ना, मैं कुछ और पूछ सकता सर, आप पूछ सकते हो ना, कब बोलो, अब मेरी शादी होगी, मेरी किस्मत में नहीं थी, बट अब मुझे लगा कि यार आज मैं ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो इसकी वजह से ले रहा हूँ, देन भी बच्चे आ गए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप कुछ डिसीजन देखते हैं तो सबका देखना चाहिए, नहीं नहीं बच्चों का नहीं देखना, बच्चों का डिसीजन मैंने तब देखना है मेरी एज में, अभी आपकी एज में नहीं, बच्चे कितने बड़े हैं सर आपके? अभी 12 साल की लड़की है, अभी नहीं देखना हमने, ठीक है ना, हम डिसीजन बच्चों का तब देखेंगे, बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे वो डिसीजन मेकिंग में आ जाए, जैसे मेरा बेटा है वो 24 साल का हो गया, अब वो काम करता है, अब वो डिसीजन मेकिंग में आ गया, इससे पहले नहीं आया, आप मेरी बात सुनो, अब मैं बोलता हूँ कि भाई अब बेटा पैसे आ गए, प्रॉपर्टी लेनी है, अब वो बोलेगा पापा यहाँ नहीं वहां लेना, अब डिसीजन, लेकिन डिसीजन मेकिंग में ये नहीं आएगा वो कि प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी, वो डिसीजन मेकिंग में इतना ही आएगा कहाँ लेनी, मैंने कार लेनी, तो डिसीजन मेकिंग में वो यही आएगा, लंबी ले रहे, वो लंबी ही बोलनी है उन्होंने, अब आ जाते हैं कि आप ये सोचते हो कि क्या बीवी की भाग्य से मेरा भाग्य कुछ बदल रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हो, अब इस पे आ जाते हैं जो आपके सवाल का मतलब अंदरूनी मतलब था, देखो सर वो इवेंट पे डिपेंड करता है, मेरी मैरिज हो गई तो मेरी मैरिड लाइफ डिपेंड्स अपॉन माय वाइफ्स नेचर, राइट और रॉन्ग? यस सर, चाइल्ड बर्थ डिपेंड्स अपॉन माय वाइफ्स आल्सो, यस और नो? ठीक है, तो इसमें ले लेते हैं वाइफ, वाइफ इट डिपेंड्स अपॉन माय वाइफ, ठीक है, थर्ड माय प्रोफेशन डज इट डिपेंड्स अपॉन माय वाइफ, नो Does my health depend on my wife's horoscope? Somewhat yes. Somewhat yes का मतलब है अगर उसको जुखाम है तो मुझे हो जाएगा। अब ये मत पूछना क्यों? Okay. And then मतलब rare, but that way मतलब any मतलब transmitting disease if it is possible, right? Litigation because of my wife? No. और क्या चीज बची? Travel. Travel on account of my wife? No. Professional मेरा travel है, उससे मेरी wife का कोई लेना देना नहीं है. If husband and wife are deciding to immigrate into Canada, both the horoscope will show. Okay? If my wife is a housewife, if I have taken the decision of immigration and my horoscope is showing, her horoscope will also show. Right? So it doesn't depend. और क्या चीज़ रहेगी सर इसमें? एक चीज हो रहा है, क्या मंगलिक से मेरी वाइफ मेरे पे भारी है या मंगलिक होने से मैं वाइफ पे भारी हूँ, है ना, यह भी सवाल है क्या? नहीं, नहीं अगर है तो ये भी कर लो, कहीं खत्म ना हो, रह ना जाए, मोस्टली होता ही है सर, है मोस्टली होता ही है ऐसा, क्या होता है सर कि मांगलिक की पत्नी मांगलिक से नहीं मिलाई जाती है, मांगलिक की मांगलिक से मिलाई जाती है, मिलाई जानी ना मिलाई जानी, पंडित क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, पंडित का जो कोई लेना देना, पंडित अपना काम पूजा पाठ का करे, उसका कोई लेना देना नहीं कि शादी किस दिन होगी, मुहूर्त निकालना हमारा काम है, कल शादी का मुहूर्त निकाला था मैंने, कल रात को शादी अटेंड करके आया हूँ, बढ़िया शादी सर जी,
कोई जैम नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली के अंदर सर 40,000 शादी हो जाती है एक दिन में, 50,000 शादी रहती है। 50,000 शादी का मतलब हो गया 1,00,000 लोग शादी कर, हर में 200 बारात 200 आदमी, 2 करोड़ लोग रुपए, 2 करोड़ लोग शादी में इन्वॉल्व है, मतलब पूरा पूरी दिल्ली शादी में, पूरा हिंदुस्तान शादी कर रहा है। 4-4 या 3-3 कई बार 2-2 मतलब जो है वो आए हुए होते हैं, क्या नाम है, निमंत्रण, निमंत्रण पत्र आए हुए होते जी। इसका पंडित का मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं, पंचांग का कोई लेना देना नहीं। ये जो करते हैं कि भाई 15 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी के बीच में शादी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। तारा डूबना लगती है, तारा डूबने का मतलब है शुक्र इज कम्बस्ट, यस, शुक्र कम्बस्ट होने का कोई मतलब नहीं ज्योतिष में। हमने कहीं शुक्र कम्बस्ट की जो डिस्कशन की नहीं, हमारा कोई मतलब शुक्र हमें नजर नहीं आ रहा, मतलब हमने कबूतर ने आंख बंद कर ली तो बिजली नहीं नजर आती, ये नहीं, शुक्र नजर नहीं आ रहा, बट उसका जो मास है हिंदी सोलर सिस्टम, उसकी रेज है, वो हमारे पर पहुंच रही है, हमें दिख नहीं रहा, एक सेपरेट इशू। सो पंडित के हिसाब से वो ठीक है, वो कह रहा है कि भी तारा डूब गया, नो, 14 फरवरी को तारा क्यों नहीं डूबता मेरे बता दे, 14 फरवरी को कभी तो शुक्र किसी भी साल तो आया होगा कभी सन के पास, कभी कम्बस्ट आया, फिर भी देखो उसने, देखो क्या धना धना, 25 दिसंबर को अगर तारा डूबा होता, 25 दिसंबर को आप दिल्ली में देख लेना, दिल्ली में सड़कें जाम, लोगों का पैसा आ गया, पीपल वांट टू एंजॉय लाइफ, इट इज नॉट बिकॉज कि मेरे को, मैं हिंदू, मुझे क्रिसमस से क्या लेना देना है यार। बट आप इस बार देखना 25 दिसंबर, पिछली बार भी देखा मैंने, पिछले 2-3 साल से ज्यादा देखता आ रहा हूँ कि लोग संपन्न बहुत हो गए, इस वजह से वो कोई समय नहीं छोड़ते, टाइम नहीं छोड़ते, जहाँ सेलिब्रेशन क्या ठीक है, घुमाएंगे, शराब दारू बियर ये हो गया, मैं नहीं कहता शराब दारू भी पीते हैं, बट ठीक है, बाहर डिनर करने चले जाते हैं जो भी है, बट तो असर तो नहीं आया ना, कहने का मतलब है उस कम्बस्ट शुक्र का असर तो नहीं आया ना, सेलिब्रेशन हो रही ना, इसका मतलब तो नहीं होनी चाहिए थी, एकदम से लाइटें बुझ जानी चाहिए थी, बच्चे पैदा होने बंद होने चाहिए थे, ऐसा तो होता नहीं। दारू की भाई सेल देखो 25 के आसपास, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मंगलिक का असर है ना, मंगल कैसे लीक कर, गैस लीक करती, पानी लिक्विड लीक करता, मंगल कैसे लीक करता समझ नहीं आया। हमारा मतलब है सर कि जैसे हमने गुड़ मिला होते, कितने गुड़ होते सर, 36, वो 36 गुण, ये गुण नहीं है, ये 36 गुण, ये 36 गुण, 36 गुण खा गए बस, लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही क्योंकि 36 गुण है, गुण खा गए, गुण क्या खा गए कि जितने भी सर, आपने तो दीपक जी पढ़ा होगा, बाकी सब ने भी पढ़ा होगा कि इट इज जो 36 गुण के अंदर मून राशि एंड मून नक्षत्र जी यही कंसिडर होता है जी, तो कुछ नहीं कंसिडर होता नहीं। तो मेरे को बात बताइए कि बाकी 8 ग्रह आप क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, हमने अगर 2 कुंडली मिलानी है तो मैं तो कह रहा हूँ कुंडली मेरे को मिलानी नहीं, मेरा लड़का जैसा भी है मुझे तो एक अच्छी बहू चाहिए, सिंपल, मेरी लड़की कैसी है मुझे तो एक अच्छा जवाई चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। जो लड़का नेचर से अच्छा है, करेक्टर से अच्छा है, हेल्थ से अच्छा है, प्रोफेशन से अच्छा है, वो किसी भी लड़की के लिए अच्छा, बट वो है कि मैच करना है आपको, मैचिंग करने की, वो कितनी पढ़ी लिखी, वो सब चीज, एंड वाइस वर्सा। अब ये जो 36 गुण है इसमें दे आर जस्ट मून को ये कंसिडर कर रहे हैं, मून की राशि और मून का नक्षत्र, इसको छोड़ के वो नहीं करते, दोनों को मैच कर लेते हैं कि ये इस नक्षत्र में वो उस नक्षत्र में इतने गुण मिल गए, तो उसमें वश्य कौन किसको वश में करेगा, भाई साहब बताओ आप बीवी को वश में कर सकते हो, कौन कर सका, रामचंद्र जी भी सीता गए बार ना जाइए, लक्ष्मण गया पर बरजाई बार ना जाए, फिर बरजाई बरजाई मैं सुनते किसी की
किसकी सुनी पर जाई भाई, बेकार की बात करते कोर किसको वश में करेगा, सब नहीं करेगा। वश का मतलब है लव, आप किसी को भी अपने प्रेम वश कर सकते हो, कोई वश नहीं। आप बीवी को ऐसा ना करियो, क्यों? अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो ही वांटेड टू गो बैक, राइट? नहीं, ही डिडंट वांट टू गो बैक, हिज सोल्जर्स वांटेड टू गो बैक, क्योंकि वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से थे, आए हुए थे, तो वो चाहते थे अपने भाई इसको दुनिया जीतनी है, हमने क्यों मरना है, आगे नंद से लड़ना चाहते थे। और नंद कोई मच्छर नहीं था जिसको मार सके, नंद के मुकाबले की दुनिया में कोई किंग नहीं था, मतलब उसने मरने जाना था। तो उसने लोग बोले भैया हमें मरवाएगा ये, मतलब तो लड़ाई में मरेगा ही ना आदमी, और ईयर से मंथ से लोग जो है घर से बाहर थे, तो वो चलते बाहर वापस जाए। अलेक्जेंडर स्टिल वॉन्टेड टू गो एंड फाइट, तो अब वो बोला कि अपने कौन था सेल्यूकस को कि यार अब इसका कैसे सोल्यूशन कैसे निकाले, तो वो गए पूछने, नाम मैं भूल गया, तो ऋषि ने कहा, ऋषि के पास गए पूछने की भाई क्या करना चाहिए, तो ऋषि ने कहा भाई देखिए ये एक चमड़ा है, इस पे एक तरफ खड़ा हो जाए, चमड़ा दूसरी तरफ से, मतलब क्या हुआ, मतलब चमड़ा दूसरी तरफ से ऊपर खड़ा हो गया, मतलब दूसरी तरफ खड़ा हो जाए, मतलब अब क्या हुआ, मतलब दूसरी तरफ से खड़ा हो गया, मतलब तू जा, दिस इज द आंसर। I am not able to understand. बोलता मरा चमड़ा सर उठा रहा भाई दबाने से, जिंदा चमड़े को दबा रहा था। Idiot. आप सर निस नहीं दबा सकते सर, आप किसी को नहीं दबा सकते, आप कुछ समझा सकते हो, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, उसका प्रेम अर्जित कर सकते हो, आप दबा नहीं सकते, ठीक है? एक तो वश करने कोई बात नहीं। फिर कहते हैं सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, तो उसमें कहते हैं योनि मिलान, मूर्खता की बात है। जिन जिन की शादियां हो गई वो समझ सकते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी। जिस दिन बीवी झगड़ा झगड़े में उतरी हो उसको आदि लगा सकते हैं, गलत के ठीक, सीधी सी बात है यार, बीवी जिस दिन नाराज हो आप हाथ नहीं लगा सकते, जो मर्जी कर लो, बस इतना। क्या सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी, मेंटल कंपेटिबिलिटी, नेचर की, हर चीज नेचर से और कोई मतलब नहीं। फिर क्या है कि वो क्या राक्षसनी हो बीवी या गण, क्या गण, गण मिलान है, राक्षसनी हो बीवी या क्या नाम है मनुष्य हो। अब मेरी बीवी का राक्षस गण है, मुझे तो राक्षसनी नजर नहीं आती। अब भाई साहब अगर आपका राक्षस गण है निकल आया, अब मतलब मानने वाली बात है भाई साहब, इनमें से एक तो कोई होगा ही राक्षस गण का, एक दो तीन चार पांच छह सात लोग है, कोई ना कोई तो हम में से राक्षस गण का होगा ना भाई, तीन ही गण है, 27/3 हो गया सर, एक तो होगा, कौन मानेगा सर? बेकार की बात करते हो राक्षस गण, व्हाट डू यू मीन बाय राक्षस, नाम ही ऐसे रखे हुए यार, अच्छे नाम रखो, काल सर सरस्वती दोष, काल सर्प दोष, अब तीनों ही नेगेटिव रख दिए, वो कुछ तो सोचो यार, सब कुछ ड्रामा है। अब क्यों किया है, कैसे किया, किसने किया, मान अब मंगल लीक हो रहा है, अब कैसे लीक करें भाई, अब समझ से बाहर की बात है। अब वो है मंगल भारी है, मेरा मंगल भारी है मेरी वाइफ के ऊपर, देखो या मैं भारी या मेरी बीवी पे भारी, अब देखो जी मेरी बीवी पे भारी मेरे मंगल, मेरे एक बेटे मेरा बंडा गंड मूल में है वो भी मेरे पे भारी, 16 भांजे भांजियां 9 मेरे पे भारी, अब 11 मेरे पे भारी, तो मेरी जन्मपत्री तो बेकार है, मैं तो बेबल, तब मतलब सुसाइड ही कर लूं तो अच्छा, ऐसा नहीं होता। फिर पंडित जो है जब भी किसी की जन्मपत्री देखता तो ये नहीं कहता कि भांजे की भी ले आओ बीवी की भी ले आओ देखें फिर लगाएं, किसी पंडित ने बोला आज तक नहीं, दे देमसेल्व आर नॉट डूइंग दैट एंड दे आर टेलिंग अस टू डू इट। और भारी का कोई अर्थ क्या, 2.5 किलो से ऊपर तो होता नहीं बच्चा, या 3 किलो का हो लेगा और क्या आग लगेगा, व्हाट डू मीन बाय भारी, और बच्चा तो भारी है, मतलब इन एडिशन टू वाइफ बच्चा भी भारी है, अब क्या मूलों पर, वही कणमूल की बात, मूलों में वाइफ तो भारी है, मत करो शादी, माई वाइफ इज हाउस वाइफ,
तो मुझे पता था ना कि इसको रोटी मैंने खिलानी, इसके कपड़े इसके नखरे सारे मैंने सहने, तो ना करते शादी, मत करो शादी। अब ना करो शादी की और समस्या है, अब ना करो शादी तो अगर घर में सिर्फ मर्द मर्द हो, कोई बर्तन वाली बर्तन मांजने नहीं आती, गलत कह रहा हूँ ठीक कर, मतलब आप यू आर डिबार्ड फ्रॉम दी सोसाइटी इन अ वे। तो अब लेडी चाहिए घर के अंदर, अब औरत होती है घर के अंदर तो पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, मम्मी बोलते बोला करती थी मेरी, मेरे समझ में औरत आई तो पैसा कहाँ से, तो शादी हो जाएगी शी इज अ हाउस वाइफ तो पैसा कहाँ से लाएगी, ऐसा सोचा। तो मम्मी थोड़ा पता नहीं ऐसा मम्मी क्यों कहते, अब वो क्या करती है कि पैसे आते वो जोड़ती, तो लक्ष्मी क्या है मैं बताता हूँ आपको कि मंगोल आए हिंदुस्तान लूट कर ले गए, गजनी आया, गोरी आया, इटालियन भाई, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, मुगल, कितने लूट के लगे गोल, हिंदुस्तान की जनानियों के पास 3 गुना गोल्ड है अमेरिका से, अमेरिकन बैंक से, बैंक ऑफ अमेरिका से 3 गुना गोल्ड। अब तो मेरे समझ में आया औरत जो है वो लक्ष्मी क्यों है, औरत होती है तो घर बनता नहीं, तो बनता नहीं, मर्द का घर आप देख लो, एक मर्द रहता हो घर की हालत देख, एक औरत घर में लड़की रहती है देख किस तरह से संभला होता है। भाई बहन में मतलब मेरी वाइफ मेरी बहनों में प्यार तभी रहेगा जब मेरी बीवी उनकी रिस्पेक्ट करेगी, नहीं तो नहीं। तो ये कैसे मूर्खता की बात करते, फिर बोले मेरी बीवी मेरे पे भारी, अब मैं कैसे मानूंगी मेरे पे भारी, ठीक है वो तो ठीक है डांटती रहती है, वो बोलते वही बोले बीमार है तो यूं क्यों हो जाते मेरे घर से लड़ाई करते, मगर हम भी तभी चलते हैं जब पोचा लग रहा होता ना तभी चलते हैं, फिर डांट पड़ते हैं। इट इज लाइक दिस, यही घर है, यही घर का मजा। इट इज लाइक ये मूर्खों के लिए बातें हैं, हम क्यों रिश्तों में कमियां ढूंढे, कमियां तो होंगी। अब बोले फूल है तो ये लाल रंग का क्यों नीला क्यों नहीं भाई, तो भाई गुलाब लाल ही का होगा भैया, अब मेरी जनानी है तो मेरी जनानी जैसे भी होगी दूसरी जनानी से फर्क ही होगी ना भाई, मेरी जनानी तो कमी होगी, फिर मेरी जनानी पतली है, ये नहीं होता यार, जो जैसा होता है वैसे ही होता। तो ये मंगलिक है, ये भारी हो गया क्योंकि मंगल अष्टम में बैठा, अष्टम का मंगल खराब, अगर अष्टम का मंगल खराब है तो अब तो नारी नारी जो थे जाने, समझ लो ये अष्टम का मंगल या मार से, ठीक मार से सेम स्कॉर्पियो, सो ये 1 हो गया ये 8 हो गया तो मार्स विल बी से 1 and 8, सो मार्स कैन बी आइदर इन स्कॉर्पियो में 3 नक्षत्र होते हैं जुपिटर शनि या मरकरी, सपोज मार्स इज इन दी शनि नक्षत्र तो शनि विल बी सिग्निफाइड 10-11, आप समझ रहे हैं, और अगर शनि के ही सब लॉर्ड में है तो मार्स अच्छा हो गया अष्टम का मंगल, और इस मंगल को क्या पड़ी है जाके मेरी बीवी को पीटने की, जो हमने भी डिस्कस कर लिया कि मेरी इंडिविजुअल हाउस को 2 या 3 चीजों को छोड़ के मेरी इंडिविजुअल ही रहेगी, मेरी मैरिड लाइफ, मेरी चाइल्ड बर्थ, ऑब्वियसली चाइल्ड बर्थ तो मेरी बीवी ने करना ना, तो मेरा बच्चा तभी हो गया, तो कॉमन सेंस की बात वो उस पर डिपेंड करे, अदरवाइज बाकी चीजें नहीं है। इस तरह से अब नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक होता है बाल ऋषि योग, अब इसमें मून जो है वो दैट इज इन द 8th हाउस, सो दैट इज अ बाल दृष्टि, ठीक है,
अब ये मून आठवें में है तो ये बच्चा जो है 8 साल का होकर मर जाएगा, ठीक है। ये 864 की हॉरोस्कोप है, ये मेरी हॉरोस्कोप है, अभी मैं जिंदा हूँ। 54 का हो गया है, 55 का होने जा रहा हूँ। तो अब ये देखो, ये मून पॉजिटिव है। अब पंडित जी ने बोल दिया कि बाल दृष्टि हो गया, ये तो जिएगा नहीं। मैं आधा दर्जन बहनों के बाद हुआ था, तो पंडित ने बोल दिया, पंडित जी ने बोल दिया कि भाई ये तो जिएगा नहीं। मैं पैदा हुआ तो नेहरू जी की डेथ हो गई, तो बीवी मेरी मदर गई, बोली कि भाई हंसने वाली बात नहीं, मैं सही बता रहा हूँ सर। मेरे 29 अप्रैल 64 का बर्थ है, 27 मई को नेहरू जी की डेथ हो गई। नहीं हो गई सर, नहीं नहीं सोच नहीं आ सकता मैं तो, मेरे वजह से नहीं मरे सर, मैं तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं कांग्रेस का सपोर्टर रहा हूँ सारी जिंदगी, ठीक है सर, सॉरी है। जो गल्ला पड़ा हो जा गई, तो अब मेरी मदर लेके गई, बोले भी तू बाल रिस्ट है तू जिएगा नहीं। अब देखो मेरी मदर पे क्या असर पड़ा होगा। तो मेरी मदर ने मेरे को स्विमिंग नहीं सीखने दी, आई वाज मतलब कुछ और करने में, तू पानी के पास नहीं जाए। तो सर्दी में नहीं नहलाती थी मेरे को, तो वो तो मैं खुश रहता था, लेकिन लेकिन स्विमिंग नहीं सीखने दी। फिर मैं बड़ा हुआ तो 12-15-20 साल तक तो मम्मी ने नहीं है, जब 20-22 साल मम्मी को भी तसल्ली होगी भाई अब लगता है कि पानी का, बट मदर को हमेशा लगता था कि पानी के पास नहीं जाए। ये वो बॉम्बे गया मम्मी के साथ, तो फर्स्ट टाइम आई सॉ सी, मतलब समुद्र को पहली बार देखा, तो एक्साइटमेंट हो जाती है। तो सभी समुद्र के अंदर जा रहे, तो मैं भी भागा, तो मेरी माँ इतनी जोर की चिल्लाई, तो मैं वापस आ गया, हार्ट अटैक ना हो जाए मेरी माँ, मतलब घबरा गया उससे। तो मेरे को फिर ध्यान आया कि भाई मदर जो है बाल रिस्ट वाला मम्मी को दिमाग में है ना। तो ये मतलब दिस ऑल्सो क्रिएट प्रेशर्स इन पीपल्स माइंड विच आर अननेसेसरी एंड यूजलेस। ये भी एक नेगेटिव है, मतलब जो हमारे समाज पे गलत असर डालता है। उसमें मैं ये नहीं कहता पंडित जी आर डेलिबरेटली डूइंग, मेजॉरिटी पीपल डू नॉट नो, डजंट हैव द नॉलेज, वो इसलिए वो कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। तो अब सर बस छुट्टी करता हूँ, हिम्मत जवाब देगी। सर एक जो मेरी वाली पक्षी देखी थी हमने, सर वाली, सर फॉरेनर के साथ मैरिज का है। हाँ अच्छा एक मिनट कर लेते, फॉरेनर मैरिज विद अ फॉरेनर, अब इसमें कहना मैरिज विद अ फॉरेनर, मैरिज विद अ फॉरेनर के लिए हमें क्या करना है कि एक तो आउट ऑफ कास्ट क्रिएट कल्चर हो जाएगी, एक ये फॉरेन जोड़ेगा साथ। आउट ऑफ कास्ट कल्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राहु केतु शनि डालना पड़ेगा। फिर ये है कि ये उससे तो होनी नहीं, भारत मैट्रिमोनी डॉट कॉम या उससे तो होनी नहीं, रिश्तेदारी में तो होनी नहीं, ये हैज टू बी अ लव मैरिज। तो एक तो आउट ऑफ कास्ट, एक फॉरेन और एक लव, ये तीनों चीजें जुड़ेगी तब जाके हम कह सकते। तो आउट ऑफ कास्ट के लिए राकेश, फॉरेन के लिए तीन नौ बारह, इट विल सफाइस। मतलब इनमें दो भी चलेंगे, 3 9 या 9 12 या 3 12, ठीक है। एंड लव कोई 5 12 5 8 12 प्लस मैरिज, मैरिज का तो ऐड, ये सारा जुड़ेगा तब जाके बन इस लव। दैट इस में 11 आएगा, नहीं नहीं प्लस मैरिज 2 7 11 तो जुड़ेगा ना सही। तो फॉर अ लव अफेयर विद अ फॉरेनर ऑब्वियसली मैरिज ऐसे तो हो नहीं सकती। आप जाके जो है युगांडा में जाके नहीं बोल सकते किसी को, लड़की को जाके आई वॉन्ट टू मैरी यू, जाओगे युगांडा नहीं ना, क्यों जाना, ठीक है। लेकिन सर एक मथुरा जैसे भी लव अफेयर ऑब्वियसली तो भी हो गया ना। ललित जी आई एम सॉरी कि अगर हम बात, हाँ बोलो सर, अगर जैसे यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि मैरिज विद द फॉरेन, यू आर सेइंग दैट वी हैव टू गो आउट फॉर द फॉरेनर मैरिज। अगर मैं एक जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज अ बेसिक, कि मथुरा वृंदावन में अगर हम बात करें, देयर आर मेनी पीपल जहां पे फॉरेनर्स आते हैं एंड पीपल आर, दैट इज आल्सो यू हैव टू हैव एन इंटरेक्शन ना। यस सी सुभाष चंद्र बोस मैरिड विद अ जर्मन लेडी, सो दैट जर्मन लेडी मैरिड विद अ फॉरेनर बिकॉज़ देयर वाज एन इंटरेक्शन बिफोर। इफ देयर इज नो इंटरेक्शन हाउ इट कैन बी लव, प्रेम कहां से अर्जित होगा,
ये तो ऑब्वियस बात है। मैं नहीं कह रहा कि भाई जो आप जैसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मथुरा के आदमी को जापान जाने की जरूरत, जापानी लड़की वहां पर आ गई, लव अफेयर हो गया। सर उस केस में 3912 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ फॉरेन। हां जी सॉरी फॉर गोइंग टू फॉरेन और फॉरेन इंटरवेंशन, लाइक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तब भी वो आएगा ही आएगा अगर इंडिया में भी कर रहा था। जी सर। अच्छा सर एक क्वेरी और है जो मैं बीच में म्यूट था। आपने एक कॉम्बिनेशन लिखे सर प्लीज जस्ट टेक वन मिनट ओनली 610 नीचे 11 6107 ये सर आपने इसका कॉम्बिनेशन बनाया था ऊपर आएगा 610 इज -2 नीचे दिस इज +2 नाउ इधर आपने लिखा था 3 and -4 हाउ दैट इज पॉसिबल सर यहाँ पर 3 + 3 = 6 होगा ना सॉरी 610 का दोस्त नहीं होगा। हाँ जी 610 का दोस्त कर रहा है नक्षत्र में। ओके तो जो मैंने पावर ऑफ प्लैनेट बताया था उसका रूल नंबर 2 है कि इफ नक्षत्र अपोजेस द सबलॉर्ड द पावर ऑफ सबलॉर्ड डिक्रीजेस। वो तो 7 को पूरे पॉइंट मिलेंगे मतलब +3 11 है ऊपर। अच्छा ठीक है ओके ओके सर राइट ये समझाने के लिए ऐसे नंबर नहीं होते सर समझाने के लिए ठीक है। नहीं ठीक है सर ठीक है ओके मतलब जो अगर ऊपर हमारा नक्षत्र में पॉजिटिव होगा तो वो उसको अपोज करेगा दैट मींस सिर्फ नेगेटिव को इफेक्ट करेगा पॉजिटिव के लिए +3 रहेगा। जी सर ओके। देवेंद्र जी और मैडम आपको ना मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप कल एक सुबह क्लास होती है वो प्लीज अटेंड कर लो आप। आई वोंट चार्ज यू फॉर दैट प्लीज वो अटेंड कर लेना आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कल आपको थोड़ा बजे है सर 10 बजे मैं आपको मैसेज कर दूंगा सर जस्ट ठीक है 10 बजे आपको पैदा होगा ओके ठीक है सर ठीक है जस्ट